हेलो एवरीवन, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी, सीएलसी सीकर। हाँ, तो बड़ा स्वागत आज के सेशन में आपका। इस सेशन में सीएलसी आपके लिए लेकर आया है रैपिड रिवीजन क्लासेस, इट मीन क्विक रिकैप ऑफ एनसीईआरटी। क्योंकि 2021 के जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान थे इस पेंडेमिक में कि अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू करें, अब इस कम समय में वो पूरी एनसीईआरटी को कैसे कवर करें। तो सीएलसी ने बिल्कुल स्लाइड और प्रेजेंटेशन के माध्यम से एकदम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कवर किया है, और आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी की बेसिक लाइंस डायरेक्ट एग्जाम में आती है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता नहीं है। तो बेटा जी, हम बिल्कुल आपको इस रिवीजन क्लासेज के अंदर एक एक लाइन एनसीईआरटी की तैयार कराएंगे स्लाइड और प्रेजेंटेशन के माध्यम से, ताकि आप कुछ ही टाइम में पूरे सिलेबस से आप गो थ्रू हो सको। तो आपके सामने आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। यस बेटू, तो मेरे राजा बेटा, रानी बेटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में एक विचार आया है लाइफ, कि आप अपने सराउंडिंग दो ही टाइप की थिंग या दो ही टाइप के ऑब्जेक्ट सीन करते हो, देखते हो, एक नॉन लिविंग निर्जीव और एक लिविंग सजीव। अब ये सजीव ऐसा क्या रखता है कि सजीव है, तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बताएंगे कि अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ शॉर्ट में, और फिर लाइफ का ओरिजिन हुआ उसके बाद जीवन का अस्तित्व आया तो उसमें क्या उसका संगठन था। यस बेटू, उसके बाद आप समझ सकते हो कि अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल, जितने भी तथ्य कोशिका की खोज से संबंधित तथ्य थे, साइंटिस्ट थे, उनके बारे में बताएंगे। फिर इस अर्थ के ऊपर कोशिका की दो व्यापक श्रेणियां हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एसिम केंद्र की और ससिम केंद्र की। यस बेटू, तो उनका बेसिक डिफरेंस क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, इसके साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे राजा बेटा, रानी बेटी, देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ या बायोलॉजी जो टर्म है ये क्या क्लियर आपके सामने करती बताता हूँ। यस बेटू, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी जो जीव विज्ञान होता है, तो ये दो ग्रीक शब्दों से आया है, बायोस लाइफ जीवन, लोगोस स्टडी ऑफ का अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में अपन करते हैं वो क्या होता है, बायोलॉजी। यस बेटा, अब देखिएगा कि अर्थ के ऊपर मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये केमिकल हाइपोथेसिस है। यस, और केमिकल हाइपोथेसिस में आप समझ सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम, तो एटम जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये एटम है। इनिशियली आप समझ सकते हो कि हाई टेम्परेचर था तो हाइड्रोजन ने कंप्लीट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर दिया था, बट हाई टेम्परेचर से वेपर फॉर्म में था। 1000 ईयर में कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स बने, तो प्रिमिटिव सी बने, क्योंकि जीवन जल में आया। यस, तो आप समझ सकते हैं कि मोलिक्यूल बन गया H2O, यस, और फिर मिथेन, CH4, हाइड्रोजन, इन्होंने रिएक्ट किया तो मैक्रोमोलिक्यूल या बायो मोलिक्यूल जो जीवन को बनाने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, जो जीवद्रव्य को बनाते हैं। यस बेटू, और फिर आप समझ सकते हैं कि सब सेलुलर कंपोनेंट, उपकोशिकीय अव्यय, जैसे ऑर्गेनेल्स आपके होते हैं, जैसे राइबोसोम है, तो राइबोसोम आप समझ सकते हैं कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, RRNA और प्रोटीन से बना है। यस, ऐसे ही मेम्ब्रेन है जो भी सब सेलुलर कंपोनेंट, और फिर आप जानते हो एक इंडिविजुअल सेल, यानी एक ऐसी सेल, कंप्लीट स्ट्रक्चर वाली सेल, पूर्ण संरचना वाली सेल विकसित हो गई। यस बेटू, तो आप समझ सकते हैं कि एक कोशिका को उसका स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए क्या क्या अनिवार्य है, तो आप समझ सकते हैं एक तो मेम्ब्रेन होनी चाहिए अनिवार्य रूप से, फिर साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो देखो, इस स्लाइड के माध्यम से मैंने आपको यही बताया है कि केमिकल लेवल, तो केमिकल लेवल में देखिएगा एटम, परमाणु, यस, एटम के बाद आप जानते हैं कि मोलिक्यूल, तो मोलिक्यूल में देखो सब सेलुलर कंपोनेंट, राइबोसोम है, RNA है, DNA है, यस, फिर सेलुलर लेवल पे अपन आ गए, यानी सब सेलुलर कंपोनेंट के बाद सेलुलर लेवल पे आ गए, तो ये आपको स्मूथ मसल सेल, आपको एक चिकनी पेशी कोशिका को बता दिया। अब ये सेल्स मिलकर क्या होगी, टिश्यू, टिश्यू से क्या हो गया ऑर्गन, ऑर्गन से क्या सिस्टम, तो ये बायोलॉजिकल हायरार्की है, ये जैविक संगठन को बताता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है। यस बेटू, और फिर आप समझ सकते हो कि ऑर्गेनिज्म, लेकिन आप जानते बेटा कि अगर एक जीव है वो एक सेल से भी
बना हो सकता है और अनेक सेल से भी मिलकर बना हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल सेल, जीवन यहीं पे आ गया था इंडिविजुअल सेल पे, तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है और ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर है तो एक सेल से बना है और मल्टीसेलुलर है तो अनेक सेल से बना है। तो देखिएगा जीवन की वो आधारभूत इकाई तो सेल है, यस बेटू। तो वो सेल साइंटिस्ट ने ये कैसे पता लगाया कि वो जीवन की आधारभूत इकाई है, कैसे उसकी डिस्कवरी की कि वो तो इतनी सूक्ष्म है कि आप उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो अब अपन उसकी डिस्कवरी के बारे में देखते हैं और डिस्कवरी के बाद में अपन सारे आगे के फैक्ट्स पे अपन बढ़ते हैं, यस बेटू। तो ये पूरा स्लाइड आपके सामने है, क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब देखिएगा कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी। तो डेफिनेशन के साथ तो देखिएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, सेल बायोलॉजी कहलाती है। सेल कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, यह सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि एक अकेली सेल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, तो जीवन के सारे कार्य करने में वो सक्षम होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अपनी संरचनात्मक इकाई तो होगी, क्यों अपना बॉडी किससे मिलकर बना है, सेल से, और कार्यात्मक, क्योंकि जीवन के सारे आवश्यक कार्य करने में एक सेल भी आप जानते हैं कि सक्षम होती है, जो अपना शरीर कर सकता है, क्लियर। तो ये दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई। कुछ डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया है, ये देखिएगा आपका अंगूठा है, अंगूठे से अपन थोड़ा सा पार्ट 20 नैनोमीटर यहाँ के कुछ सेल्स को लिया और इनको बिल्कुल शो किया, तो ये देखिएगा कि ये सेल, फिर सेल के इनसाइड अपन गए, मेम्ब्रेन, उसके ऑर्गेनलीज, ये सारी बातें आपको बता रखी, यस। और अब अपन बढ़ते हैं कि साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कवरी कैसे की, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कोशिका की खोज के बारे में, तथ्य, फैक्ट्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, आप जानते हैं कि सेल इतनी टीनी स्ट्रक्चर, इतनी सूक्ष्म संरचना है कि उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यूरोप में 13वीं शताब्दी में सबसे पहले स्पेक्टेकल्स, चश्मों का यूज हुआ था, क्योंकि साइंटिस्ट को पता लगा था कि अगर मान लो ग्लास को थोड़ा वक्रित किया जाए और उसके ऊपर अपन बात रखी कोई भी इंसिडेंट लाइट दी जाए तो इमेज बनती है, यस। तो कैसे ना कैसे अगर सूक्ष्मदर्शी की खोज हो जाए या सूक्ष्मदर्शी निर्मित कर लिया जाए तो इन सूक्ष्म से सूक्ष्म संरचनाओं को देखा जा सकता है। तो इस प्रयास में सबसे पहले आप समझ सकते हैं रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक, आप समझ सकते हैं कि रॉबर्ट हुक जो रॉयल सोसाइटी लंदन, जहां के साइंटिस्ट को क्यूरेटर कहते हैं, वहां से रिलेटेड थे, और रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम अपना सूक्ष्मदर्शी निर्मित किया। और आप जानते हैं रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक लिखी माइक्रोग्राफिया, तो देखिएगा रॉबर्ट हुक ने क्या प्रयास किया। तो देखिएगा कोशिका की खोज का श्रेय सामान्यतः रॉबर्ट हुक को दिया जाता है, कोशिका की खोज का जो क्रेडिट है वो रॉबर्ट हुक को जाता है, क्लियर। सेलवाल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा उन्होंने 1665 में अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया, तो ये उनकी बुक थी, माइक्रोग्राफिया भी लिखा था, और माइक्रोग्राफिया में उन्होंने जो अपनी डिस्कवरी की थी उसी को लिखा था। तो देखिएगा रॉबर्ट हुक ने कौन सा प्रयोग किया, प्रेक्षण किया, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ऑक ट्री, ऑक वृक्ष, क्योरकस सुबर, यस बेटू। तो ऑक ट्री जो क्योरकस सुबर था उसकी बार्क यानी छाल, तो आप समझ सकते हैं कि वृक्ष था तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो छाल होती है, बार्क होती है, कॉर्क सेल उसकी थिन स्लाइस, पतली काट ली, स्लाइड बनाने के लिए स्लाइस लेनी पड़ती है, पतली काट ली, और वो पतली काट का उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर परीक्षण किया, अध्ययन किया, सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किया। तो आप समझ सकते हैं ऐसे स्पेस है ना, यानी मैं यहां आपको बता दूं, देखो ये उसका माइक्रोस्कोप था, और ऐसे आप जानते हो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मैं आपको बता दूं बेटू हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिएगा हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान पोरस लाइक स्ट्रक्चर, छिद्र में संरचना उसको नजर आई, यस। और इन खाली स्थानों को, इन छिद्रित स्थानों को उसने क्या टर्म दिया, सेलुला, जो लैटिन भाषा का शब्द है उसी से क्या आया, सेल, यस। तो देखिएगा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी पोरस, छिद्र में संरचना, पोरस स्ट्रक्चर, यस बेटू। और ऐसे रॉबर्ट हुक ने
कोशिका की खोज की। सेलुला टर्म से सेल अस्तित्व में आया, लेकिन बेटा ये मिथ्या थी, ये मिजनोमर था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की, ये मिथ्या थी। मिजनोमर यानी मिथ्या, यानी वास्तव में सत्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने अपने अध्ययन के लिए, परीक्षण के लिए जो लिया था वो डेड प्लांट टिश्यू लिया था, या डेड पार्ट प्लांट का, डेड पार्ट यानी मर्त भाग लिया था। यस, वास्तव में हुक ने मर्त पादप उत्तक की खाली कोशिका भित्तियों का परीक्षण किया था, डेड एम्प्टी सेल वाल का परीक्षण किया था। एक्चुअल में उसने लिविंग सेल को देखा ही नहीं था, लेकिन फिर भी फर्स्ट ऑफ ऑल सूक्ष्म संरचनाओं को देखने का प्रयास किया, सूक्ष्म दर्शी की खोज की। तो कोशिका की खोज का जो श्रेय है, क्रेडिट है, और सैलवाल जो आप जानते हैं नॉन लिविंग पार्टी होता है, निर्जीव भागी होता है, उसकी खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को ही दिया जाता है। क्लियर? और आपके सामने बिल्कुल मैंने स्लाइड के माध्यम से एक शॉर्ट रिकैप के रूप में एक एक वर्ड आपके सामने क्लियर किया है। और एग्जाम के अंदर बेटो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी की केवल लाइन आएगी आपके सामने। यस, और पूरा आपके सामने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, ये आप समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की, और आप समझ सकते हो। अब अपन आ चुके हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक डच साइंटिस्ट थे, यस, कपड़े के व्यापारी थे जो अपने बटनरी आते हैं, लेकिन खाली टाइम में माइक्रोस्कोप इन्होंने, आप समझ सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी बनाया करते थे और अनेक संरचनाओं का अध्ययन किया करते थे। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने, इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका को देखा और वर्णित किया। यस, यानी फर्स्ट टाइम जीवित कोशिका को देखने का कार्य किसने किया? और आप जानते जीवित कोशिका को किसने खोजा, तो आपका आंसर आ जाएगा। और सीधी लाइन एनसीईआरटी की, क्वेश्चन आपके नीट में बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी वे में आ सकता है क्वेश्चन। यस, और आप जानते एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने बरसात का पानी, रेन वॉटर या नाली का गंदा पानी की एक ड्रॉप ली स्लाइड के ऊपर, और इन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी यूज किया था वो किया था फेज कॉन्ट्रास्ट। ये भी एनसीईआरटी लिख रखा है, फेज कॉन्ट्रास्ट। फेज कॉन्ट्रास्ट में अपन किसी भी सेल को स्टेनिंग नहीं करते हैं, अभिरंजित नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि सेल लिविंग कंडीशन में रहती है। वरना अगर अपन अभिरंजन कर दें तो केमिकल की वजह से आप जानते उपापचय संपन्न नहीं कर पाती और मर्त हो जाती हैं। यस, तो अपन वो डेड सेल देखते हैं जो स्टेन करके देखते हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल फेज कॉन्ट्रास्ट से, फेज सूक्ष्मदर्शी से लिविंग सेल को देखा, और इन्होंने बरसात की एक बूंद को स्लाइड पर लेकर उसका सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किया, तो सूक्ष्म सूक्ष्म संरचनाएं नजर आई, और उन सूक्ष्म संरचनाओं को एनिमलक्यूल्स कहा। क्या कहा बेटू? एनिमलक्यूल्स। यस राजा बेटा, रानी बेटी बिल्कुल एक्टिव हो जाएं, ए टू जेड लाइन आपको रिवाइज कराएंगे। तो एनिमलक्यूल्स कहा, और एनिमलक्यूल्स आप समझ सकते हैं कि इन्होंने बैक्टीरियल सेल को देखा, प्रोटोजोन सेल को देखा, अमीबारिये, या आप समझ सकते हैं कि अगर सीमन वीर्य की बूंद का स्लाइड बनाए तो स्पर्म सेल को देखा। क्लियर? तो सीधा सा क्वेश्चन एक ही है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था और उसको वर्णित किसने किया? तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक। क्लियर बेटू? नेक्स्ट अपन बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने केंद्रक को खोजा था कि सेल में सेंटर में न्यूक्लियस भी होता है, तो केंद्रक को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन। यस, और अब अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के आ चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ चुके हैं, और दैट इज सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी की अपन बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि दो साइंटिस्ट थे, मैथियस लिडेन और थियोडोर स्वान, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरी उनकी व्याख्या करते हैं। मैथियस लिडेन जर्मन बोटनिस्ट थे, 1838 में उन्होंने विभिन्न प्रकार की पादप संरचनाओं का अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि पादप उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यस, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि भी प्लांट टिश्यू सेल से कंपोज होते हैं। तो पादप संरचनाओं का अध्ययन किया, किसने किया? मैथियस स्लिडेन ने। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि थियोडोर स्वान आए, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने भी कई सारी जंतु प्रारूपों का, जंतु जीवन का अध्ययन किया, और इन्होंने कहा कि जंतु जीवन का भी आधार क्या है? सेल है, और जंतु तक भी विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने तो ये भी कहा कि जंतु कोशी
का की सबसे बाह्यतम परत पतली परत होती है और आज वो किस नाम से जानी जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर थियोडोर स्वान ने प्लांट टिश्यू का भी स्टडी किया था और प्लांट टिश्यू की स्टडी करते समय उन्होंने बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, कि कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिकाओं का अनुपम लक्षण है, अद्वितीय लक्षण है। जो मैंने आपको कहा है कि देखो थियोडोर स्वान ने विभिन्न प्रकार की जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया, कार्टिलेज सेल का अध्ययन किया था, कार्टिलेज सेल का, और यहां आप जानते हो कि जंतु कोशिकाएं टिश्यू में डूबी होती हैं तो ये मैट्रिक्स होती है, यस। और इन्होंने जब प्लांट टिश्यू की स्टडी की तो बताया था कि सेल वॉल का प्रेजेंस पादप कोशिका का अद्वितीय गुण है, यस। और फिर इन दोनों की बातों से जो निष्कर्ष निकले, यानी दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया, प्रतिपादित किया, उसमें दो टेनेट्स मतलब दो बातें सम्मिलित थी, दो निष्कर्ष थे। फर्स्ट क्या है, पादप और जंतुओं का शरीर कोशिकाओं और उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कितना भी कॉम्प्लेक्स सजीव हो, बॉडी किससे मिलकर बनी होगी, सेल से, क्योंकि बेसिक यूनिट क्या है, सेल। और दूसरी बात वही, कोशिका सजीवों की आधारभूत इकाई है, बेसिक यूनिट है, यस बेटू। तो ये आप समझ सकते हैं कि स्लिडेन और स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया, और स्लिडेन ने पादप संरचनाओं का अध्ययन किया था, स्वान ने एनिमल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था। दोनों ने ये पाया कि दोनों के जो उत्तक होते हैं वो विभिन्न प्रकार की सेल से ही मिलकर बने होते हैं, तो दोनों इस निष्कर्ष पे पहुंचे और सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड की। अब अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया, तो स्लिडेन स्वान दोनों, तो आंसर क्या आएगा, दोनों। लेकिन ये दोनों ये स्पष्ट नहीं कर पाए थे कि नई कोशिकाएं कैसे आती है, जबकि ये तो इस बात से सहमत थे कि नई कोशिकाएं निर्जीव पदार्थों से या अजैव पदार्थों से वापस निर्मित हो जाती है, जबकि आपको पता है कि अर्थ के ऊपर लाइफ की ओरिजिन एक बार हुई, उसके बाद केवल उस लाइफ में ही कॉम्प्लेक्सिटी आई है, दोबारा जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई, यस। तो इस वे के अंदर जो अगला साइंटिस्ट था, वो अगला साइंटिस्ट देखो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं बेटा, तो देखिएगा नेक्स्ट आपका था रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो है 1855 में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, और गारंटेड ये स्टेटमेंट नीट के अंदर, अभी नीट 2019 में प्रीवियस में 2019-20 से पहले ये क्वेश्चन आया। तो स्टेटमेंट है ओमनी सेलुला ई सेलुला ओरिजन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, कि जो नई कोशिकाएं है ना वो पहले से जो स्थित सेल है उन्हीं से बनती है, उसमें डिवीजन होता है, एक सेल में डिवीजन हुआ दो बन गई, फिर उनमें डिवीजन हुआ चार बन गई, तो कितना भी कॉम्प्लेक्स शरीर बने डिवीजन से ही नई नई सेल्स आती हैं, यस। और आप जानते हैं इन्होंने देखो मॉडर्न सेल थ्योरी यानी आधुनिक कोशिका सिद्धांत, सेल डॉक्ट्राइन या सेल थ्योरी को फाइनल प्रारूप किसने दिया, तो रुडोल्फ विर्चो। मेरे बेटू, राजा बेटा, रानी बेटी, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ जाए कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आप कहेंगे स्लिडेन और स्वान ने। क्वेश्चन आ जाए आधुनिक कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी को फाइनल प्रारूप किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो। तो ध्यान दीजिएगा, रुडोल्फ विर्चो की बातों में तीन टेनेट, तीन निष्कर्ष आ जाएंगे, क्योंकि स्लिडेन और स्वान की बातों में दो निष्कर्ष थे, अब एक नया निष्कर्ष जुड़ जाएगा, और वो निष्कर्ष क्या है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि नई कोशिका पहले से स्थित कोशिका में विभाजन से आएगी, यस बेटू, है कि नहीं है। और देखो बिल्कुल इस स्लाइड में आपको कितना अच्छा समझा रखा है कि देखिएगा सेल थ्योरी क्लियर, ये थियोडोर स्वान क्लियर, आप समझ सकते हैं, और स्लिडेन, तो फाइनल बातें स्वान ने बताई थी, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, सभी सजीव एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिकीय तो एक कोशिका से, बहुकोशिकीय तो अनेक कोशिकाओं से, यस बेटू। और सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत इकाई क्या है, सेल। अब ये दो टेनेट, ये दो बातें तो स्लिडेन और स्वान के सिद्धांत में सम्मिलित थी, लेकिन ये तीसरी बात किसने दी, रुडोल्फ विर्चो ने, ऑल सेल्स कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, सभी कोशिकाएं पहले से स्थित कोशिकाओं में विभाजनों से आती है बेटू, क्लियर है ना, यस। और अब आप देखिएगा आराम से, आप सब चीजों को आराम से नोट कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझा रहा है। अब देखिएगा इस सेल थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी,
तो कोशिका सिद्धांत का क्या महत्व है? तो बेटू देखो क्या महत्व है, ध्यान दीजिएगा। अभी अपने सबसे पहले लाइफ को डिफाइन किया, तो लाइफ का एग्जिस्टेंस या जीवन का अस्तित्व पृथ्वी पर कैसे आ पाया? जब एक पूर्ण संरचना की सेल आई, मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य और अंदर प्रोटीन मशीनरी, जो मैं आगे जाकर आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि बेसिक यूनिट लाइफ की क्या होती है, सेल। तो फिर जो टैक्सोनॉमी के अंदर कई प्रकार के वैज्ञानिक आए, उन्होंने पृथ्वी के ऊपर तरह तरह के जीवन प्रारूप देखे, विभिन्न प्रकार के जीवन प्रारूप। उन्होंने जीवाणु भी देखे, फिर यूकेरियोट में एक कोश के शैवाल क्लेमाडोमोनास, या बहुकोशिकीय शैवाल, पादप या कवक या जंतु। तो पृथ्वी पर तरह तरह के प्रारूप थे, यानी जीवन प्रारूप में विविधता थी। लेकिन इस विविधता में मिलने वाले एकत्व को यह स्पष्ट करता है कि जीवन के सभी स्वरूपों में कोशिकीय संगठन है, यानी ये परिकल्पना विविध स्वरूपों में निहित एकत्व को इंगित करती है। भाई कितनी भी विविधता हो, लेकिन सबके जीवन की इकाई क्या है, सेल। सबका जीवन स्टार्ट कहां से हुआ है, कोशिका से। और सबका शरीर भी किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से, जो मूलभूत रूप से अत्यधिक समानता रखती है। यस बेटू, फिर क्या कहता है, देखो कोशिका सिद्धांत या परिकल्पना विविध स्वरूपों में निहित एकत्व को इंगित करता है। यह स्पष्ट करता है कि जीवन के सभी स्वरूपों में कोशिकीय संगठन है, और कोशिका की पूर्ण संरचना से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सके, यानी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व प्रदर्शित करने के लिए पूर्ण संरचना की सेल तो चाहिए, उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी जब मैंने आपको बताया था कि सब सेलुलर कंपोनेंट आ गए थे, उपकोशी के अव्यय जो आपके कोशिकांग होते हैं, लेकिन कोशिकांग का अस्तित्व सेल के अंदर ही है, स्वतंत्र रूप से वो अपना अस्तित्व नहीं रख सकते। आप कहते हो अभी आगे आएगा, जैसे इसकी डीमेरिट में, कि वायरस सजीव क्यों नहीं है, क्योंकि वायरस को अगर आप प्रयोगशाला के अंदर, ये पैट्रीडिस है, परखनली है, इसके अंदर पोषक माध्यम है, और इस पोषक माध्यम में अगर अपन वायरस पार्टिकल को ले लेते हैं, वायरस पार्टिकल को, तो वायरस पार्टिकल अपना कृत्रिम संवर्धन, यानी अपनी रेप्लिकेशन या अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता, इसलिए आप समझ सकते हैं कि वो लिविंग नहीं है। लेकिन इसी पैट्रीडिस में अगर अपन बैक्टीरियल सेल को ले लेते हैं, तो वो अपना रेप्लिकेट कर सकती है। तो फिर एक पूर्ण संरचना की सेल क्या होती है, कि देखो बेटा कोई सेल स्ट्रक्चर होती है तो उसमें आवरण भी होते हैं, अंदर कोशिका द्रव्य भी होता है, कोशिकांग भी होते हैं, केंद्रक भी होता है। लेकिन एक पूर्ण संरचना की सेल के लिए तीन घटक अनिवार्य हैं, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अपन आगे जाकर कहेंगे कि नॉन लिविंग एनवायरमेंट से, एज ए वातावरण से लिविंग को डिफ्रेंशिएट करती है। उसके बाद आप जानते हैं साइटोप्लाज्म, और यहां आप देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए साथ होने चाहिए, और राइबोसोम भी होने चाहिए, यानी प्रोटीन मशीनरी, तभी तो एंजाइम बन पाएंगे और उपापचय आएगा, तभी जीवन का अस्तित्व आएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब पूर्ण संरचना की सेल आई थी, प्रोटीन मशीनरी आई थी, तब जीवन का अस्तित्व आया था। यस बेटू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी के है, आप समझ सकते हैं कि कोशिका की पूर्ण संरचना से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सके, यानी स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखने के लिए, कम से कम एक पूर्ण संरचना की सेल आवश्यक है। यस बेटू, और फिर अपन बात करते हैं, अतः सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रदर्शित करती है, और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में क्या होती है, सक्षम होती है। एक अकेली सेल जैसे अमीबा है, तो सतह से ही भोजन के कण को अंदर ले लेता है, पाचन भी करता है, पचित भोजन का शोषण ऊर्जा के लिए वो भी करता है, और जो अपचित होता है, अपशिष्ट होता है, उसको सतह से बाहर भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। तो पाचन, शोषण, उत्सर्जन, वो सारे आवश्यक कार्य करता है जो अपना बॉडी करता है, वो अकेला अमीबा भी करता है। बोलो बेटू, यस। फिर अपन आगे बात करते हैं कि भाई सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या है, डीमेरिट क्या है। तो जनरली सेल थ्योरी में और भी पॉइंट्स होते हैं, कि जैसे एक कोशिका में सामान्यतः एक केंद्रक होता है ना। ये अपन कहें कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सबसे मेजर जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, वो तो वायरस, अभी मैंने आपको बता दिया,
कि वायरस एसेलुलर पार्टिकल है, एकोस के कण है, क्योंकि वायरस अपने परपोसी होस्ट से बाहर एक निर्जीव कण की तरह है, क्योंकि वायरस में ना तो मेम्ब्रेन है ना साइटोप्लाज्म है, और वायरस में डीएनए आरएनए दोनों साथ नहीं है, या तो डीएनए है या आरएनए है, इसलिए वायरस का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वायरस में सेल स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में भी पांच जगत जो होते हैं व्हिटेकर के, उसमें कहीं पर भी वायरस को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये डिमेरिट होगी, मुख्य डिमेरिट यही है। इसके बाद में कुछ अन्य पॉइंट ले सकते हैं कि सेल थ्योरी ये कहती है कि सामान्यतः एक कोशिका में एकेंद्रक होना चाहिए, लेकिन जैसे म्यूकर राइजोपस होता है, इनमें जो कवक तंतु आएगा उसमें आप समझ सकते हैं कि एक से ज्यादा केंद्रक आपके होंगे, यानी मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन होगी, सिनोसाइटिक, तो फिर ये भी एक तरह से एक्सेप्शन हो गए, लेकिन मुख्य एक्सेप्शन नहीं हुए। मुख्य एक्सेप्शन आपका ओनली क्या है, वायरस, जो क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर बेटा? तो देखिए अब तक आपके जो सेल थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है, सेल थ्योरी को किसने फॉर्मुलेटेड किया, स्लेडेन और स्वान ने। सेल थ्योरी को फाइनल प्रारूप किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। यस बेटा, उसके पश्चात सेल थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है कि इतनी सारी विविधता में मिलने वाले एकत्व को, इस विविधता में मिलने वाली एकता को शो करती है सेल थ्योरी, क्योंकि सबका बॉडी सेल से बना और कोशिका स्तर पर सब समानता दर्शाते हैं, चाहे ह्यूमन हो चाहे एलिफेंट हो, मानव हो चाहे हाथी हो। यस बेटू, उसके पश्चात अपन कहते हैं कि एक पूर्ण संरचना की सेल अपना स्वतंत्र अस्तित्व दर्शाती है, उससे कम स्वतंत्र अस्तित्व दर्शाने में सक्षम नहीं है। उसके पश्चात अपन कहते हैं कि भाई ये जो आपकी सेल थ्योरी है, इसके डिमेरिट या जो एक्सेप्शन है वो क्या है, तो वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। यस बेटू, तो ये पूरी चीज आपके सामने क्लियर कर दी। यस, नेक्स्ट अपन लेते हैं, नेक्स्ट जो स्लाइड है, तो बिल्कुल एक क्विक रिवीजन। हाँ, थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी की पहले रीडिंग लगाकर थोड़ा सा नॉलेज तो गेन करना ही होगा, थोड़ा सा क्विक तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ ही दिनों में 45 डेज के लगभग हम आपको पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद करवा देंगे। हाँ, वीडियो को आप एक दो बार देखकर फिर आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझना तो है, पढ़ना तो है, और फाइनल आपका नीट एग्जाम देना है और एक अच्छी रैंक लेनी है मेरे बेटू। आप समझ सकते हैं आप इंडिया की टॉप रैंक ले सकते हैं, क्योंकि आप सीएलसी के साथ हैं। यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा स्पेशल पॉइंट्स, कुछ मुख्य बिंदु। यस, अब चलो अपन ने सेल की डिस्कवरी हो गई, सेल थ्योरी की बात कर ली, अब अपन बात करते हैं कि भाई कोशिका आकार, आकृति और गतिविधियों में अत्यधिक विभिन्नताएं दर्शाती है, यानी सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। आप भी समझ सकते हो कि संगठन एक है लेकिन आकार थोड़ा अलग अलग हो सकता है। यस, आकार के बाद आप जानते हो कि शेप, आकृति, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए वो अलग अलग आकृति लेती हैं, और क्रियाविधि, जैसे आज अपना बॉडी है, अपने बॉडी के अंदर भी स्किन सेल है, अपने बॉडी में मसल सेल है, न्यूरोन है, तो उनकी आकृति अलग अलग हो सकती है, थोड़ा सा आकार में भी अंतर हो सकता है। और अपन पृथ्वी के ऊपर जब से जीवन आया था तो पहले प्रोकैरियोट जीवाणु के रूप में, तो उस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में भी अपन आकार का थोड़ा अंतर है, और भी बहुत सारे अंतर है, लेकिन समानताएं भी है। यस बेटा, और विविध कार्यों को संपन्न करने के लिए हर सेल, चाहे वो प्रोकैरियोट हो और चाहे यूकैरियोट हो, हर प्रकार की सेल ही, प्रोकैरियोट भी विविध आकार आकृति प्रदर्शित कर सकती है और यूकैरियोट भी विभिन्न कार्यों को संपन्न कराने के लिए अलग अलग आकृति ले सकती है। तो अपन आराम से जो नॉर्मल क्वेश्चन आपके हैं और एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कहते हैं कि उदाहरणतः माइकोप्लाज्मा, आप जानते हो कि पूरे मोनेरा जगत में एक ही सजीव है जो बिना कोशिका भित्ति के है, सेल वॉल लेस प्रोकैरियोट है ये। यस, सबसे छोटी जीवित कोशिका जिसकी लंबाई दे रखी आपको एनसीईआरटी ने 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ, लेकिन यहां क्वेश्चन क्या बनता है, सेल वॉल लेस स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। क्वेश्चन इतना सा है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा, या घबराना मत, वो पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसी में है। यस बेटू, और आप समझ सकते हैं कि फिर अपनी अगली बात आए कि भाई सेल वॉल लेस हो गए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि कोशिका भित्ति युक्त, सेल वॉल युक्त सबसे छोटा, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो फिर आपका जाएगा बैक्टीरियल सेल, 3 to 5 माइक्रोमीटर विथ सेल वॉल कोशिका भित्ति सहित स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म।
अब क्वेश्चन डायरेक्ट आए, सबसे छोटी जीवित कोशिका, अब तक विलगित सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा, लेकिन कोशिका भित्ति रहित है। क्वेश्चन में ऐसे जोड़ दे कि कोशिका भित्ति युक्त सबसे छोटी जीवित कोशिका तो बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका, यस बेटू। उसके बाद में देखो अपन यूकेरियोट पे आते हैं, तो अब तक विलगित लार्जेस्ट एनिमल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा अब तक विलगित सबसे बड़ी कोशिका है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यस। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, प्लांट के अंदर सबसे बड़ी कोशिका एसिटेबुलेरिया है, और एसिटेबुलेरिया तुम जानते हो एकोशिकीय हरा शैवाल है, एकोशिकीय हरा शैवाल है, यस। फिर आप जानते हो लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी, बेटा लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर है, तो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल फाइबर ऑफ रेमी 55 सेंटीमीटर है, और ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यस। और मनुष्य में अगर अपन सबसे लंबी कोशिका देखें तो नर्वस सेल है। तो जनरल इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई, ये एक चीज को क्लियर कर दिया आपके सामने, साइज। और मैं एक कॉमन इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दूं कि जनरली माइकोप्लाज्मा तो कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोट है, मोनेरा का एकमात्र सदस्य, लेकिन जनरल अपन बैक्टीरिया की बात करें और जनरल अपन प्रोकैरियोट सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल की, तो देखिए बेटा कि प्रोकैरियोटिक सेल की मैं आपके सामने बात करूंगा प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियम सेल का एवरेज 3 से 5 माइक्रोमीटर, 3 से 5, या अपन 1 to 5 भी दे सकते हैं, और यूकेरियोटिक सेल का जो एवरेज आकार होता है, एवरेज की बात कर रहा हूं, तो वो आप समझ सकते हो कि 15 से 20 माइक्रोमीटर, 15 से 20 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट हो गया साइज, लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोट हो चाहे फिर यूकेरियोट हो, स्पेशली यूकेरियोट विविध प्रकार की आकृति भी दर्शाती है विशेष कार्य को संपन्न कराने के लिए, ये लाइन एनसीईआरटी ने दे रखी है। तो सेप, तो देखिएगा आप समझ सकते हो कि जैसे आरबीसी बाइकोनकेव होती है ना, रेड ब्लड सेल राउंड या बाइकोनकेव गोलाकार या उभयतल होती है, ये डब्ल्यूबीसी अमीबोइड होती है ना, अमीबोइड आकार की होती है, ये स्तंभाकार आपका जो उपकला उत्तक होता है, और भी कई दीर्घीकृत होती है ना न्यूरोन की तरह, कई आप जानते हैं कि राउंडेड जैसे प्लांट में मीजोफिल सेल, तो आपको एनसीईआरटी ने चार्ट दे रखा है, मैं चार्ट आपको जो एनसीईआरटी का है वो आपको देख लेना चाहिए, यस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई बेटू, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट आपकी स्लाइड है कि भी चलो ये खोज से संबंधित तथ्य और कुछ जनरल पॉइंट आ गए। और एक बात और बताऊं कि भाई जैसे सेल होती है तो सेल में 3 चीज अनिवार्य है, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और प्रोटीन मशीनरी, डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, ताकि उपापचय होता रहे। तो कोशिका की गतिविधियों का या उपापचय का स्थल क्या है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्रोटीन मशीनरी, यस बेटू, क्लियर है। अब देखिएगा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि फिर देखो ऐसा होते होते शुरू में नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी था, सरल, फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आया है ना, लाइट माइक्रो, मतलब आप जानते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसे सूक्ष्मदर्शी की भी आगे से आगे खोज होती गई और एडवांस सूक्ष्मदर्शी खोजी गई साइंटिस्ट के द्वारा, यस। और तरह तरह के जीव वैज्ञानिक भी इन सूक्ष्म संरचनाओं पे या जीवन की इकाई पे कार्य करने लग गए। फिर आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो वस्तुओं को या सूक्ष्म संरचनाओं को बहुत ज्यादा विभेदित करके दिखाता है, आवर्धित मैग्निफाइड करके दिखाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आप समझ सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही उधर अपन डायवर्सिटी से भी इस टॉपिक को जोड़े तो 5 किंगडम आया था, यस, या 4 किंगडम आया था, क्योंकि बैक्टीरिया सूक्ष्म संरचनाओं को पहचाना गया था। तो देखो जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यापक रूप से उपलब्ध हो गया, जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी व्यापक रूप से उपलब्ध हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि जीव वैज्ञानिकों ने तरह तरह की संरचनाओं का अध्ययन किया, तो उन्होंने कोशिकाओं के आकार व उनके आंतरिक संरचनाओं और ऑर्गेनेलीज कोशिकांगों के आधार पर 2 आधारभूत वर्गों में रखा, यानी पृथ्वी के ऊपर सेल की कितनी कैटेगरी बनाई, 2 व्यापक कैटेगरी बनाई, 1 इज प्रोकैरियोट एंड अदर इज यूकैरियोट। और आप समझ सकते हैं बेटा कि पृथ्वी के ऊपर थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन अगर व्यापक रूप से देखें तो पृथ्वी के ऊपर 2 ही श्रेणियां हैं सेल की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक,
असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की, क्योंकि पांच जगत में भी मोनेरा जगत के सदस्य प्रोकैरियोटिक संगठन दर्शाते हैं, और बचे हुए चार जगत जो होते हैं प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमल है, वो यूकेरियोटिक संगठन दर्शाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, और पांच जगत अवधारणा का जो वर्गीकरण का पहला आधार ही है ना, वो टाइप ऑफ सेल है। तो अर्थ के ऊपर सेल के मुख्य टाइप दो ही हैं, बाकी तो देखो यूकेरियोट में प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई सेल, तो थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाएगा आवरणों में या अन्य संरचनाओं में, लेकिन उनका आधारभूत संगठन समान होगा। लेकिन इनिशियली जो अर्थ के ऊपर सेल की कैटेगराइज करें, व्यापक श्रेणियां करें, मुख्य श्रेणियां बताएं, तो दो ही श्रेणियां हैं। और बेटू वो दो श्रेणियां क्या हैं? फर्स्ट इज प्रोकैरियोट, असीम केंद्र की, यस, और सेकंड इज यूकैरियोट, ससीम केंद्र की, यस। प्रो प्रो यानी होता है बिफोर, प्रिमिटिव आदिम, कैरियन न्यूक्लियस, यानी जिनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस हो, अस्पष्ट केंद्रक, यानी ऐसी संरचनाएं या ऐसी सूक्ष्म संरचनाएं या सेल जिनमें अस्पष्ट केंद्रक हो, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, आदिम केंद्रक हो, क्लियर। इसका मतलब उन संरचनाओं में, अभी अपन आगे डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट है। और ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैव उद्विकास में ये लैंडमार्क साइन था, ये बड़ा साइन था कि अगर न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट है, केंद्र के आवरण अगर अनुपस्थित है, तो वो प्रोकैरियोट संरचना है, असीम केंद्र की संरचना है। और अगर आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है, तो ससीम केंद्र की है भाई। अब न्यूक्लियर एनवलप मतलब जानते हो आप, कि जानते हो सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल आप समझ रहे हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल सेल का सेपरेट हो, तो सेपरेट आप जानते हो कि ये न्यूक्लियर एनवलप होते हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाह्य केंद्र की झिल्ली, आंतरिक केंद्र की झिल्ली, और यहां वो जेनेटिक मटेरियल होता है आपका, यस। तो कोशिका द्रव्य से पृथक हो गया वो जेनेटिक मटेरियल, तब तो आप जानते हैं यूकेरियोट है। लेकिन आप जानते हैं कि न्यूक्लियर एनवलप हो ही नहीं, जैसे सेल हो, अब इसके ऊपर चाहे सेल वॉल भी हो, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो, और साइटोप्लाज्म में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो, आनुवंशिक पदार्थ हो, यानी न्यूक्लियर एनवलप नहीं हो, न्यूक्लियर एनवलप नहीं हो, तो केंद्र की आवरण एब्सेंट, अर्थात आप जानते हैं बेटा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्र की झिल्ली, आगे मैं डायग्राम से क्लियर करूंगा, वो एब्सेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है, सही, तो न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट और अस्पष्ट केंद्रक है। और जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवांशिक पदार्थ है ना, वो कोशिका द्रव्य में प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट है, यस बेटू। तो आप जानते हैं बेटा, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग भी, ER, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, अंतःप्रद्युत जालिका का नाम आपने सुना होगा, गोल्जीकाय का आपने नाम सुना होगा, लाइसोसोम का सुना होगा, वो सब एब्सेंट होते हैं, यस। और आप जानते हैं कि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस का पृथक्करण नहीं होता है, तो ये आपके क्या होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। और बड़ी बात, वन एनवलप सिस्टम, कई बच्चे यहां भ्रमित हो जाते हैं, ये वन एनवलप सिस्टम है क्या, मैं समझाता हूं कि एक मैन आवरण होता है, उसमें चाहे एक परत हो चाहे तीन परत हो, जैसे जीवाणु के मैन आवरण में अभी आगे जाकर तीन परत आएगी, परत कितनी भी हो लेकिन जीवाणु में केवल एक मैन आवरण ही होता है, इसमें परत सेल वॉल है, मेम्ब्रेन है, कई हो सकती हैं, पर मैन आवरण एक ही होता है, अंदर कोई आवरण नहीं होता है। जैसे अपने बताया कि न्यूक्लियस, मैंने बताया कि जैसे यहां मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई ये मैन आवरण ही होगा, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि अंदर किसी भी प्रकार का अन्य आवरण नहीं होगा, जैसे ये न्यूक्लियर एनवलप, हालांकि इसके अंदर ऐसे केंद्र के छिद्र होते तो ये नहीं होगा, या झिल्ली से घिर के कोई कोशिकांग भी नहीं बनेगा, यस। तो उनमें मैन एनवलप एक ही आवरण होगा, वन एनवलप सिस्टम, ठीक है। अब इधर कंपैरिजन करो आप यूकैरियोटिक ससीम केंद्र की, तो ट्रू डेवलप्ड न्यूक्लियस, सुविकसित केंद्रक, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित, न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट, केंद्र की आवरण यहां क्या होगा, उपस्थित होगा, बाह्य केंद्र की झिल्ली और आंतरिक केंद्र की झिल्ली आनुवांशिक पदार्थ को कोशिका द्रव्य से पृथक कर देगी। अगर कोशिका द्रव्य से पृथक कर देगी
तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस का पृथक्करण भी पाया जाएगा, और अन्य मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग, अंतःप्रद्वी जालिका, गोल्जीकाय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, परोक्सीसोम, ग्लायोक्सीसोम, वो सारे प्रेजेंट होंगे यहां पे। यस, तो टू एनवेलप सिस्टम होगा, एक तो मैन आवरण और अंदर भी आवरण चीजों को पृथक करेंगे, समझ गए ना। जैसे मैन लिफाफे के अंदर एक तो आप मैन लिफाफा बना दो और उसमें चीनी नमक सारा एक में डाल दो, और एक मैन लिफाफा बनकर छोटे छोटे पैकेट्स बनाओ आप, नमक अलग चीनी अलग, जो अपना अलग अलग कार्य कर सके। यस, तो यही आपका होता है वन एनवेलप सिस्टम, वन एनवेलप सिस्टम और टू एनवेलप सिस्टम। अब तुम जानती हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से सरल होती है, आकार में छोटी होती हैं, तीव्रता से विभाजित करती हैं, लेकिन व्यवहार में जटिल होती हैं। यस बेटू, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से क्या होती है, जटिल। यस, स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स और ये सिंपलर। यस राजा बेटा रानी बेटी, तो बिल्कुल क्विक होना, एक एक लाइन तैयार कर रहे होना, एनसीईआरटी आपके साथ है ना, और एक एक शब्द को उठाया गया डायरेक्ट एनसीईआरटी से। यस बेटू, और ये क्लासें आपके लिए इतनी अच्छी होंगी, एक क्विक रिकैप, एक क्विक रिविजन, जो आप समझ सकते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी तैयार कराएगा और नीट 2021 में आपको एक बेस्ट रैंक भी दिलाएगा, पक्का है ये। लेकिन थोड़ा सा पहले रीडिंग करके आप चैप्टर्स को देखें, टाइम का लिमिटेशन है। यस, फिर देखिएगा कि इस प्रोकैरियोटिक संगठन में अपन किनको सम्मिलित करते हैं, आद्य जीवाणु आर्की बैक्टीरिया, सत्य जीवाणु यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यानी वो सारे सदस्य जो प्रोकैरियोटिक संगठन दर्शाते हैं मोनेरा जगत में आते हैं। तो मोनेरा जगत के जितने भी मेंबर हैं वो कौन सा संगठन दर्शाते हैं, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में जो अन्य चार जगत हैं, यानी बेटू प्रोटिस्ट, एक उसके यूकैरियोट, फंजाई, कवक, प्लांट्स जो पादप कोशिकाएं हैं, और एनिमल्स, ये सारी संरचनाएं यूकैरियोटिक संगठन दर्शाती हैं। यस, ये भी क्वेश्चन बनता है कि पांच जगत अवधारणा में से एक जगत मोनेरा प्रोकैरियोटिक संगठन, बचे हुए चार जगत यूकैरियोटिक संगठन। यस बेटू, तो बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। अभी आ जाओ, देखो अपन डायग्राम के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। यस बेटू, स्लाइड में मैंने आपको देखो डायग्राम दिया है, ये एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल का देखिए बेटा, मैंने यहां पर आपको डायग्राम भी और सूक्ष्मदर्शी से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, यानी बिना अभिरंजन के ये माइक्रोग्राफ आपका प्राप्त हुआ है, और ये बेटा आप समझ सकते हो कि प्रारूपिक यूकैरियोटिक सेल है, प्रारूपिक यूकैरियोटिक सेल है। यस बेटू, देखिए यहां पर इस सेल में आप देखेंगे कि देखो सेल एनवेलप में ग्लाइकोकैलिक्स आएगा, सेल वॉल आएगा, मेम्ब्रेन आएगा, लेकिन देखो एक मैन एनवेलप में कितनी भी परतें हो सकती है, अंदर कोई एनवेलप नहीं है। और देखो ये जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कंटेनिंग डीएनए, न्यूक्लियोइड जीनोफोर, जेनेटिक मटेरियल, वो कोशिका द्रव्य के प्रत्येक संपर्क में है। अब यहां पर अच्छे से देख लीजिएगा बेटा कि अगर अपन शुरू से आए, देखो ग्लाइकोकैलिक्स है, कैप्सूल, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म है। यस, और आप जानते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि ना तो केंद्र की आवरण है और ना ही झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग है, और राइबोसोम भी है तो 70S है, 70S राइबोसोम। यस बेटा, और राइबोसोम को छोड़कर प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी प्रकार का कोशिकांग नहीं होता। यस बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का पृथक्करण नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अपन कहें बेटा कि जेनेटिक मटेरियल कोशिका द्रव्य के प्रत्येक संपर्क में होता है, जीन अभिव्यक्ति कोशिका द्रव्य में ही होती है। यस बेटा, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्टोन प्रोटीन नहीं होता, तो डीएनए की पैकिंग नहीं होती है, माइटोसिस मियोसिस संभव नहीं है। यस बेटू, और ये देखिएगा आपके सामने यूकैरियोटिक संगठन, यूकैरियोटिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन। यस बेटू, तो यूकैरियोटिक संगठन में आप देखिएगा ये मैन एनवेलप है, ये एक एनिमल सेल है, तो आउटर मोस्ट आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर आप साइटोप्लाज्म पे आ गए, प्रोटोप्लाज्म पे आ गए जीवद्रव्य पे, तो ये देखिएगा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब आप समझ सकते हो अच्छे से, आपको एनसीईआरटी में बता रखा है कि ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवेलप,
ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये न्यूक्लियर एनवलप है। इस न्यूक्लियर एनवलप से साइटोप्लाज्म से पृथक हो गया, आनुवांशिक सूचना यही निहित है और आप समझ सकते हैं कि सारा कंट्रोल इससे हो रहा है। फिर इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, यस, और आप समझ सकते हैं कि सेंट्रोसोम या ये, क्योंकि एनिमल सेल है तो ये आपके प्रेजेंट है, तो ये एक यूकेरियोटिक संगठन है, यस बेटू। और अब अपन आगे जाकर जब प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा विवरण देखेंगे, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और फिर अपन उसकी सारी संरचनाओं को देखने के बाद अपन यूकेरियोट पे जाएंगे तो और भी बातें आपकी क्लियर होगी, यस बेटा। तो आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। हाँ, तो देखिए बेटू, अपन स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एसिम केंद्रीय संगठन, यानी पृथ्वी पर वो आदिम संरचनाएं जो सबसे सूक्ष्म भी हैं, प्रतिरोधी भी हैं और आपने कहा ना प्रिमिटिव, जो अर्थ पर सबसे पहले अपीयर भी हुई, प्रकट भी हुई थी। क्योंकि जैसे एंटी वॉन लिवेनहॉक को याद करो, उन्होंने बरसात के पानी की बूंद या जैसे अपन मान लो दही के बूंद ले लें तो उसमें बैक्टीरियल सेल तो होती, तो माइक्रोस्कोप में आपको वो नजर आएगी। तो पृथ्वी के ऊपर दो ही कैटेगरी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी एसिम केंद्र की संगठन क्या होता है। तो देखिए, मोनेरा जगत के सदस्य प्रोकैरियोटिक संगठन दर्शाते हैं, यानी जो भी प्रोकैरियोटिक संगठन दर्शाएगा किस किंगडम में रखोगे, मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार और आकृति में अत्यधिक विविधता, तो वही बात, क्यों, तो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, आकार आकृति में विविधता। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के जो आकार की रेंज है 1 से 5 माइक्रोमीटर, और बैक्टीरिया कई तरह की आकृति भी शो करता है, ठीक है, वो आदिम से थोड़े एडवांस की ओर। और आप जानते हैं कि प्रारूपिक प्रोकैरियोट जीवाणु 4 मूलभूत आकृतियां यानी 4 बेसिक शेप प्रदर्शित करता है। आप जानते हैं जगत मोनेरा के सबसे प्रमुख सदस्य बैक्टीरिया ही हैं, और एक बैक्टीरियल सेल ही प्रारूपिक प्रोकैरियोट है, एसिम केंद्र की है, यस। अब आप देखिएगा कि शेप के बेसिस पे, आकृति के बेसिस पे बैक्टीरिया के प्रकार तो 4 होते हैं। फर्स्ट आपका होता है कोकस, कोकस, और उसका बहुवचन आपने पढ़ाया कोकाई, और कोकस की आकृति आपको दिख रही ना, वर्ताकार गोलाकार, ठीक है। अब इसके यहां पर स्लाइड में आपको स्वरूप भी बता दिए कि भाई अगर मान लो सिंगल सेल के फॉर्म में हो तो मोनोकोकस, अगर 2 सेल का पेयर हो तो डिप्लोकोकस, अगर इन सेल की एक श्रृंखला बने तो स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे वंश हैं बैक्टीरिया के, और अगर मान लो ऐसे ग्रुप बन जाए, गुच्छा बन जाए, स्टेफाइलोकोकस। तो देख लीजिएगा, डिप्लोकोकाई, यस, स्ट्रेप्टोकोकाई, यस, और ये देखो स्टेफाइलोकोकाई, और यहां एग्जाम्पल भी। लेकिन आपको इतना समझना है कि कोकस गोलाकार वर्ताकार सबसे प्रतिरोधी संरचना, यस। उसके बाद दूसरी आपकी होती है बेसिलाई, और इसका सिंगुलर होता है बेसिलस, बेसिलस, छड़ाकार, रोड सेप, छड़ाकार होता है रोड सेप, दंडाकार, और वो भी आप जानते हैं कि उसमें भी अगर चैन है तो स्ट्रेप्टोबेसिलस है ना, ऐसे। और फ्लेजिला रियली में जो कसाबी का है वो आप बेसिलस में कॉमन है गति के लिए, यस। और अदर अपन बात करें तो देखो विब्रियोज, विब्रियो कोलेरी, कोमा सेप होता है, सर्पिलाकार, ये विब्रियो आपका कोमा सेप होता है, और सर्पिलाकार स्पैरिला होता है, ये लो जी, क्लियर। तो बेसिक सेप 4 हो गई, कोकस गोलाकार, बेसिलस दंडाकार, विब्रियो कोमाकार, और स्पैरिला सर्पिलाकार, यस बेटू, ध्यान दीजिएगा। फिर अपन कहते हैं कि देखो, यद्यपि जीवाणु कोशिकाएं आकार और आकृति में अत्यधिक विविधता दर्शाती है लेकिन उनका मूलभूत संगठन समान है, भाई चाहे कोकस बैक्टीरिया हो चाहे बेसिलस हो, लेकिन सेल की स्ट्रक्चर में आकृति तो अलग है, सेल की स्ट्रक्चर में जो कंपोनेंट आएंगे, घटक आएंगे, वो बेसिकली इनमें सेम है। हाँ, किसी भी प्रोकैरियोट संरचना में एक सबसे बड़ा की पॉइंट है कि न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी भी नहीं होगा, यस बेटा। तो अपन देखो आपको बनाकर भी बताते हैं, ड्रॉ करके भी बताते हैं, डायग्राम को लेबलिंग के साथ बताते हैं। तो आप इसमें नेक्स्ट देखो, अपन लेते हैं कि सेल स्ट्रक्चर, यानी बेटा कोशिका संरचना। अब सेल स्ट्रक्चर आप किसकी बात कर रहे हो, बैक्टीरियल सेल की, बैक्टीरियल सेल, क्योंकि बैक्टीरियल सेल ही बेटा क्या है, प्रारूपिक प्रोकैरियोट है, टिपिकल प्रोकैरियोट्स। हालांकि मैंने पूर्व की स्लाइड में जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कंपैरिजन किया था ओवरव्यू के अंदर, तब भी आपको वहां पर मैंने डायग्राम बताया था,
यस, लेकिन बेसिकली अपन और लेबल कर देते हैं। तो देखो बेटा, कोई भी सेल होती है उसमें सबसे पहले आता है सेल एनवलोप, कोशिकीय आवरण। तो बैक्टीरिया का जो सेल एनवलोप आएगा, कोशिकीय आवरण आएगा, उसमें रासायनिक रूप से वो जटिल है और टाइटली बाउंडेड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है। वो कठोरता से बंधी त्रिपरतीय संरचना है। यानी सामान्यतः बैक्टीरिया के सेल एनवलोप में तीन परत होती हैं। तो देखिएगा ये तीन परत, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कहते हैं यहां पर ये जैसे सबसे आउटर लेयर हो गई, ठीक है, ये मुख्य एनवलोप है बेटा, मुख्य आवरण, इसमें आपकी हो जाएगी तीन परत। तो ये आउटर लेयर हो गई। और बैक्टीरिया में आउटर लेयर, जैसे मिसलिए आउटर लेयर जो होती है इसको अपन कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। और इस ग्लाइकोकैलिक्स के भी दो स्वरूप होते हैं। अगर ढीली आच्छा दे तो स्लाइम लेयर, और अगर थोड़ा सा थिक है तो कैप्सूल, संपुटिका, सारी चीज आपको बताएंगे। यस बेटू, अब आप समझ सकते हैं कि जो दूसरा सेल एनवलप यहां पर है वो आप समझ सकते हैं कि है सेल वॉल। और बेटा जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो आप जानते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। तो ये आपका हो गया सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है जी। फिर देखिएगा जो थर्ड लेयर है मुख्य एनवलप में, जो थर्ड लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्लियर। अब देखो कि ग्लाइकोकैलिक्स सब बैक्टीरिया में नहीं होती है, ये भी अपन आगे बात कर लेंगे। सेल वॉल जीवाणु में सब में होती है, पूरे मोनेरा में, केवल माइकोप्लाज्मा में नहीं होती, सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। लेकिन मेम्ब्रेन का होना अनिवार्य है, और जीवाणु कोशिका की भी मेम्ब्रेन यूकेरियोट के समान ही होती है, क्योंकि यही नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से लिविंग को सेपरेट करती है, और अनिवार्य है ये तो मेम्ब्रेन का होना। तो फिर अपन आ जाते हैं, ये आपका जो बैक्टीरियल सेल में है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यानी अर्ध तरल, यस। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, और ये आपने मेम्ब्रेन बताई दी। तो एनवलप में तीन लेयर, अपन आगे सारा क्लियर करेंगे, यस। अब आपका आ गया साइटोप्लाज्म, जो कोशिकीय गतिविधियों का स्थल है, क्योंकि उपापचय यहीं पे होगा। तो उपापचय के लिए क्या चाहिए बेटा, एंजाइम, और तभी ये इसको लिविंग स्टेट में मेंटेन करेगा। तो देखिएगा अब ये मेन एनवलप ही होता है बैक्टीरियल सेल में, जिसमें तीन लेयर होती है, इसके अलावा एनवलप होता नहीं है। अब बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए, जो डायरेक्ट कोशिका द्रव्य के संपर्क में है, और बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आप समझ सकते हैं कि डीएस सर्कुलर डीएनए, द्विसूत्री नग्न वर्ताकार डीएनए, यस बेटू। और यहां न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, स्टोन प्रोटीन भी नहीं है, तो अस्पष्ट केंद्रक है, सत्य केंद्रक बन ही नहीं पाया। तो ये आप समझ सकते हो कि इनसीपिएंट न्यूक्लियस, अस्पष्ट केंद्रक, यस। उसके बाद आप समझ सकते हो कि आरएनए हो गई, यस बेटू। और उसके बाद आप समझ सकते हो कि राइबोसोम हो गई, डीएनए से एमआरएनए और राइबोसोम आता है, प्रोकैरियोट में एक एमआरएनए से कई राइबोसोम जुड़ जाते हैं, तो उसको आप कहते हो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, ठीक है। तो आप जानते हैं, देखो अनिवार्य चीजें जो होनी चाहिए कोशिका के अस्तित्व के लिए, स्वतंत्र अस्तित्व के लिए, वो हो चुकी हैं, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्रोटीन मशीनरी, उपापचय है। अब अलग अलग बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हो सकती है। अब ये मूलभूत संगठन तो सब में समान होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, जैसे कि बैक्टीरिया जनरली अवायवीय श्वसन परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर वायवीय श्वसन परफॉर्म करे तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से मीजोसोम बन जाता है, यस, समझ गए ना, मीजोसोम स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, क्लियर है। और यहां देखिएगा कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, प्रकाश संश्लेषण संपन्न करते हैं, उनके अंदर आप जानते हैं कि ये क्रोमेटोफोर, और क्रोमेटोफोर जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक रखती हैं, क्योंकि कोई भी झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल सेल में कभी भी नहीं होगा, यस बेटू।
हाँ बेटा, राजा बेटा, रानी बेटी, क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट? लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पे, और कोई लाइन अगर एनसीईआरटी की छूट भी जाए तो आपको अपने नोट्स के अंदर लिख लेनी है। ऐसे अगर आप एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और एग्जाम के क्वेश्चन लास्ट में आपको करके भी बताएंगे, अपने आप सोल्व करेंगे। आप खुश रहिए, क्यूट क्यूट रहिए, यस, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, क्लियर, जो हम आपकी चिंता करते हैं, तभी आपके लिए रैपिड रिवीजन, यस। फिर देखिए, ये आपका हो गया क्रोमेटोफोर, क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, जनरली यूकेरियोटिक सेल में मुख्य जीनोमिक डीएनए होता है, जो न्यूक्लियस में होता है, ये मुख्य जीनोमिक डीएनए है, ये मैन जीनोमिक डीएनए है, बैक्टीरियल सेल का भी मैन जीनोमिक डीएनए। लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल में मुख्य जीनोमिक डीएनए के अलावा कुछ अन्य वर्तुल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा वर्तुल डीएनए होता है, जिसको आप कहते हो प्लाज्मिड। क्या कहते हो बेटा? प्लाज्मिड, यस। अब देखिएगा, मुख्य एनोलोप के अलावा अंदर कोई भी एनोलोप नहीं आया, इसलिए वन एनोलोप सिस्टम हो गया। और ध्यान दीजिएगा, ये प्लाज्मिड हो गया, उसके बाद जानते हो बैक्टीरिया में कुछ संग्रही कण, निर्जीव कण होते हैं, जिनको आप कहते हो इंक्लूजन बॉडीज। और मैं आपको बड़ी बात बता दूं कि प्लाज्मिड या इंक्लूजन बॉडी का पाया जाना प्रोकैरियोट सेल का ही अद्वितीय लक्षण है, कभी यूकेरियोट में नहीं होती। हाँ, देखिए, यूकेरियोट में समानता क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का समान संगठन होगा प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में, साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, हालांकि यहां नग्न वर्ताकार डीएनए है, लेकिन प्रोटीन मशीनरी दोनों में होगी, और उपापचय का पथ एक होगा, लेकिन ये भिन्नता है। और इंक्लूजन बॉडीज, और आप जानते हैं प्लाज्मिड का पाया जाना इसका अद्वितीय लक्षण है, क्लियर है। और उसके बाद देखिए, अपन बात करेंगे बेटा कि ये जो बैक्टीरियल सेल है इसमें सतह अतिवृद्धियां, तो यहां प्रोटीन कोशिका द्रव्य से प्रोटीन तंतों का एक्सटेंशन, ये गति के लिए फ्लैजिला है, ये आप जानते हैं कि संयुग्मन के लिए पिलाई है ना, और फिर छोटी छोटी ब्रिस्ट लाइक चट्टान से चिपकने के लिए फिम्बरी है। तो ये बैक्टीरियल सेल की मैंने आपके सामने सेल स्ट्रक्चर शो कर दी। अब अपन इसके जितने भी घटक हैं, एनोलोप क्या है, उसमें क्या क्या लेयर आती हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्लाज्मिड क्या है, मीजोसोम क्या है, क्रोमेटोफोर क्या है, और सतही संरचनाएं फ्लैजिला, पिलाई, फिम्बरी, इन सब के बारे में अपन आपको थोड़ा सा विवरण देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट अपन लेते हैं, देखिए सबसे पहले आपका क्या स्टार्ट हो गया, कोशिकीय आवरण, सेल एनोलोप। मैंने आपसे बता दिया कि जीवाणु कोशिकीय आवरण दृढ़तापूर्वक बंधित त्रिपरतीय संरचना है, जो हालांकि रासायनिक रूप से जटिल कठोरता से बंधित तीन प्रतीय संरचना है, लेकिन वो एक सुरक्षात्मक इकाई की तरह कार्य करती है, यस। और आप जानते हैं इसका क्रम क्या है, सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओलंपियाड में या केवीपीआई में क्वेश्चन आया कि बैक्टीरियल सेल एनोलोप में, मुख्य आवरण में, एनोलोप में जो तीन प्रत है उनका क्रम क्या है, तो आउटसाइड आप जानते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हेडिंग डाल दी ग्लाइकोकैलिक्स, यस बेटू। ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, अधिकांश बैक्टीरिया में होती है, सब बैक्टीरिया में हो जरूरी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये भी दो रूप प्रकट करती है, ये स्लाइम लेयर औपंक परत के रूप में हो सकती है, और औपंक परत स्लाइम लेयर मेनली पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की, यह चिकनी होती है। ये आप समझ सकते हैं बेटा, बहुत एनसीईआरटी का मस्त लाइन, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है 2021 के एग्जाम में, कि लूज मतलब ढीली, आच्छद है, सीत है, लूज सीत है, लिखना ढीली आच्छद है, यस। और आप जानते हैं नम चिकनी होती है, ये कैप्सूल है ना, कैप्सूल, ये बेटा आप जानते हैं थिक है, मोटी है, टफ, मोटी है और थोड़ी हार्ड है कैप्सूल संपुटिका। तो ध्यान दीजिएगा कि ग्लाइकोकैलिक्स के भी अलग अलग बैक्टीरिया में दो स्वरूप हो सकते हैं, ये लेयर्स जो होती हैं केमिकली डिस्टिंक्ट हैं, रासायनिक रूप से अलग अलग है, लेकिन प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह। और यहां देखिएगा कि स्लाइम लेयर और कैप्सूल भी, कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर या कैप्सूल, यस। और आप समझ सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स जो जीवाणु को भक्षणकारी कोशिका से बचाता है, और ये आपका है। अब आप आ चुके हैं सेकेंड लेयर पे, सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल बेटा, जानते हो किसी भी कोशिका पर सेल वॉल होती है तो वो थिक, मोटी होती है, खटोर होती है, रिजिड होती है, अप्रत्यास्थ, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, अप्रत्यास्थ होती है।
नॉन लिविंग निर्जीव, पारगम्य और सुरक्षात्मक परत होती है, यानी थिक, रिजिड, नॉन इलास्टिक, नॉन लिविंग, परमेबल, प्रोटेक्टिव लेयर। सारी लाइनें लिखी मैंने, हिंदी साथ बोल रहा हूं मैं आपके सामने, एक एक शब्द का आपके सामने ध्यान रख रहा हूं। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी सेलुलोज से नहीं बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, और पेप्टिडोग्लाइकेन में शुगर और एमिनो एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन में बेटा देखो पेप्टाइड, पेप्टाइड होता है एमिनो एसिड, जो टेट्रापेप्टाइड होते हैं, और ग्लाइकेन, ग्लाइकेन का मतलब शुगर, तो शुगर में मेरे बेटू हेटेरोपोलीसेक्राइड, हेटेरोपोलीसेक्राइड मतलब दो प्रकार के एकलक मिलकर ये बहुलक बनाते हैं, एनएजी नाग, एन एस्टल ग्लूकासामिन, एन एसिटल म्यूरेमिक एसिड, नाग और नाम। अच्छा क्वेश्चन आया ना, और आप जानते हैं नाम और नाग बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, और एकांतरित श्रृंखला इनके अल्टरनेट क्रम में होते हैं, बहुलक श्रृंखला बनाते हैं, टेट्रापेप्टाइड नाम से जुड़ती है, यस, क्रॉस लिंकिंग होती है और जटिल और बहुत कठोर कोशिका भित्ति बनती है, यस, जिसका काम है बैक्टीरिया सेल को निपातित होने से या फटने से बचाना। क्लियर है? तो ये आपकी दो लेयर सेल वॉल हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, तो कोशिका भित्ति आकार को निर्धारित करती है एक तो, और ये बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर है जो आप जानते हैं जीवाणु को फटने से या निपातित होने से बचाती है। क्लियर? अब आप मेरी बात सुन लीजिएगा कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है या एनवलोप है, तो अलग अलग जीवाणु में, एनवलोप में, आवरण में थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है, और थोड़ी थोड़ी भिन्नता की वजह से इन्होंने अभिरंजन के प्रति अपना अलग अलग व्यवहार रखा। तो कैसे रखा देखिएगा, एक साइंटिस्ट आए एस सी ग्राम जो क्रिश्चियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्राम अभिरंजन तकनीकी के द्वारा स्पष्ट किया, लेकिन अभिरंजन के प्रति जीवाणु का दोहरा व्यवहार आएगा, आप समझ सकते हैं, तो अभिरंजन के प्रति दोहरा व्यवहार आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इनके आवरण में भिन्नता होती है रासायनिक रूप से, और वो अपन क्लियर करेंगे। तो देखिए बेटा इन्होंने क्या किया कि जैसे एक ग्लास स्लाइड ली, ये स्लाइड है ग्लास स्लाइड, ठीक है जी, ये लो जी स्लाइड है। अब इस ग्लास स्लाइड पर पेट्रीडिश से बैक्टीरियल सीमर, यानी आप जानते हैं जीवाणु धब्बा, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जीवाणु धब्बा ले लिया, ये लो जी। अब जीवाणु धब्बा लिया, फिर इसको स्टेनिंग दी अभिरंजन, स्टेनिंग, ठीक है, तो स्टेनिंग अभिरंजन के रूप में प्राथमिक स्टेन, जो सबसे मुख्य स्टेन था, आप जानते हैं यहां पर क्रिस्टल वोलेट सीवी, यस बेटू, यानी आप जानते हैं क्रिस्टल वोलेट, ठीक है, जिससे ये जो सेल्स है ना, ये आप जानते हो कि पर्पल या वोलेट कलर की हो गई, ठीक है। अब ये अच्छे से अभिरंजन को प्राप्त कर ले, तो इन्होंने 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन लिया, KI सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे ही वो आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे तो CVI क्रिस्टल वोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बन गया बेटू, रंग बंधक का कार्य करता है वो, तो अच्छे से बाइंड हो जाएगा वो। बाइंड होने के बाद अपन ने वाटर से साफ किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अपन ने डीकलराइजिंग एजेंट, जैसे ही अपन ने इनको एल्कोहल से, यानी एसीटोन से वाश किया, एल्कोहल से धोया, तो कुछ तो पर्पल कलर के रहे, जिनको आपने क्या कहा, ग्राम पॉजिटिव, यानी ग्राम अभिरंजन को बनाए रखा, वो तो पर्पल ही रहे, ठीक है। लेकिन आप जानते बेटा कि कुछ आपके यहां पर कलरलेस हो गए, कलरलेस ग्राम नेगेटिव, ठीक है, कलरलेस हो गए, और फिर इनको अपन ने काउंटर स्टेन सेपरेनिन से वापस से अभिरंजन दिया, तो वो गुलाबी हो गए। तो अपने यहां पर चीज पकड़ने की क्या, कि ऐसा क्या हुआ कि एल्कोहल से वास करने पर कुछ ने तो अपना अभिरंजन बनाए रखा और कुछ ने छोड़ दिया। तो देखो क्या हुआ कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता ना, उसमें तो सेल वॉल थिक होती है और सिंगल लेयर होती है, और वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, जिसमें आप जानते हो कि पेप्टिडोग्लाइकेन 70-80% होता है। और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं ना, इनके अंदर आप जानते हैं कि सेल वॉल के दो लेयर होते हैं, एक तो पेप्टिडोग्लाइकेन तो है ही,
लेकिन आउटर जो लेयर होती है, आउटर लेयर, वो आपकी होती है बेटा लिपोपॉलीसेकेराइड, LPS, लिपिड की बनी होती है। अब लिपिड के कारण क्या हुआ, जैसे अल्कोहल से वाश किया तो लिपिड अल्कोहल में घुल जाता है, क्योंकि वो कार्बनिक विलायक है, तो लिपिड घुल गया, इन्होंने कलर छोड़ दिया, इन्होंने कलर नहीं छोड़ा। तो यहां सिंगल लेयर सेल वॉल है, वहां बायलेयर है, ग्राम ऋणात्मक में बायलेयर सेल वॉल होती है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, यस बेटू। तो ये आपने मेरे को अभिरंजन भी आप, मैंने आपको समझा दिया, एनसीईआरटी हर लाइन को मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट अपन लेते हैं मेरे बेटू, अब अपन जो बैक्टीरियल सेल के अदर कंपोनेंट होते हैं उनको अपन लेते हैं। यस, तो देखिएगा मीजोसोम, आपको मैंने बताया था कि जीवाणु कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन से बनने वाली विशिष्ट झिल्ली में संरचना मीजोसोम कहलाती है। झिल्ली में, यहां कह लेंगे झिल्ली में संरचना क्या कहलाती है, मीजोसोम। और वो झिल्ली का विस्तार पुट्टिकाओं, नलिकाओं या पटलिकाओं के रूप में हो सकता है। यस बेटा, यानी आप जानते हैं कि वो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वो वेसिकल्स के रूप में हो सकता है, ट्यूब्यूल्स के रूप में हो सकता है, या लैमिली के रूप में हो सकता है, जो एनसीईआरटी ने लिख रखा है। तो देखिए, आप जानते हैं ना बैक्टीरियल सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन, तो उसके इनफोल्डिंग से आपका ऐसे आपका बनता है मीजोसोम। क्या बनता है बेटू, मीजोसोम। और फिट जेम्स फिट्स ने इसको खोजा था। यस, अब आप जानते बेटा कि मीजोसोम का क्या फंक्शन है, क्योंकि श्वसनी एंजाइम बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से एसोसिएट होते हैं, संबंधित होते हैं। तो क्या फंक्शन है, आप जानते हैं कि एक नॉर्मल फंक्शन, वो तो आप जानते हैं जो कॉमन होता है वो तो है ही है, रेस्पिरेशन। यानी जो बैक्टीरिया वायवीय श्वसन करते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती है, क्योंकि यहां झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, समवर्ती है। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि ग्लाइकोकैलिक्स और क्रेब्स साइकिल तो साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन जो ETS होती है वो मीजोसोम पे, क्योंकि श्वसन एंजाइम यहीं से है, तो सेल रेस्पिरेशन तो कॉमन हो गया। वैसे ये मीजोसोम भी दो टाइप से बनता है, एक नॉर्मल मीजोसोम पेरिफेरल, और एक मीजोसोम जो जेनेटिक मटेरियल DNA से एसोसिएट होता है। तो फिर वो मीजोसोम और क्या फंक्शन करवाता है, तो आप जानते हैं कि DNA रेप्लिकेशन, DNA प्रतिकृतिकरण। और जब एक बैक्टीरियल सेल मैच्योर होगी और दो पुत्री कोशिकाओं में बटेगी, तो उस रेप्लिकेटेड DNA को पुत्री कोशिकाओं में डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में भी सहायक होगा, तो DNA रेप्लिकेशन हो गया मेरे बेटू। यस, और उसके अलावा आप जानते हैं कि यूकेरियोटिक सेल में अपन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आगे क्लियर करेंगे, वो सिक्रेशन में गोल्जी बॉडी का रोल होता है, तो यहां तो मीजोसोम ही क्या कराता है, स्त्रवण, सिक्रेशन, सिक्रेशन की प्रोसेस। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल पर जो सेलवाल का सिंथेसिस है, तो सेलवाल के मटेरियल वहां तो गोल्जी बॉडी करता है यूकेरियोट में, तो यहां कौन करेगा, आप जानते हैं मीजोसोम, तो सिंथेसिस ऑफ सेलवाल, सिंथेसिस ऑफ सेलवाल। तो मीजोसोम के फंक्शन 2021 में आ सकते हैं, सेल रेस्पिरेशन, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, एंजाइम कंटेंट को बढ़ाता है, यहां सरफेस एरिया को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। यस, DNA रेप्लिकेशन और रेप्लिकेटेड DNA का पुत्री कोशिकाओं में वितरण, सिक्रेशन में, स्त्रवण में, कोशिका भित्ति के पदार्थों के संश्लेषण में। यस बेटू, ये सारी बात आपके सामने मैंने क्लियर कर दी मीजोसोम से रिलेटेड, क्लियर है। अब अपन लेते हैं बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल, इनको मैं आपको क्लीन कर दूं, और आप नोट कर चुके होंगे, मैं क्लीन कर देता हूं, फिर अपन आते हैं जेनेटिक मटेरियल पे। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपका जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ, तो बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, आप जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ जीवित कोशिका में ऐसा DNA होता है, ठीक है, लेकिन यहां इनके अंदर लीनियर DNA नहीं होता है, सर्कुलर DNA होता है। तो बैक्टीरियल सेल में एक सिंगल, सिंगल यानी एक, है ना, हिंदी के अंदर एकल लिख रखा, कई बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, वो द्विसूत्री होता है, लेकिन एक संख्या में एक है, सिंगल, DS डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है। और ये DNA बेटा नेग्ड होता है, नग्न होता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, स्टोन प्रोटीन का अभाव। यस और नो, फिर देखिएगा, आप जानते हैं कि भी सिंगल है, एकल है, DS सर्कुलर DNA है, नग्न वृत्ताकार DNA है। यस, और नेग्ड है, स्टोन प्रोटीन नहीं है।
आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवलप केंद्र के आवरण भी अपन ने क्या बताया था, एब्सेंट, न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर कि निम्न में से कौन सी संरचना है जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्र की झिल्ली एब्सेंट है, तो प्रोकैरियोट संरचना, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, यस, या छड़ाकार, गोलाणु, विब्रियो, तरह तरह के जो भी प्रोकैरियोटिक संगठन दर्शाने वाले, सही। और फिर आप जानते हैं कि ये डीए सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल और नग्न वर्ताकार डीएनए। फिर आप जानते हो कि स्टोन तो एब्सेंट होता है, तो फिर भी अरेंज होना जरूरी है सेल में क्योंकि उसका आयतन बहुत कम है, तो इसकी सुपर कोइलिंग होती है, पॉलीएमाइन से सुपर कोइलिंग होती है, ठीक है। तो फिर आप जानते हो कि अस्पष्ट केंद्रक इंसिपिएंट न्यूक्लियस बनाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है, और उसको आप कहते हो न्यूक्लियोइड जीनोफोर, उसको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोइड जीनोफोर, न्यूक्लियोइड जीनोफोर कहते हैं आप, ठीक है कि नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, क्लियर है। और आप जानते बेटा कि जीन अभ्युक्ति भी यहां पर साइटोप्लाज्म में होती है, क्लियर बात हो गई। नेक्स्ट अपन लेते हैं प्लाज्मिड। आप देखो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो ओनली एंड ओनली बैक्टीरियल सेल में है, प्लाज्मिड। तो देखिएगा कि देखो एक होता है मुख्य जीनोमिक डीएनए, अभी अपन ने बताया जेनेटिक मटेरियल मुख्य जीनोमिक डीएनए, यूकेरियोट में ओनली मुख्य जीनोमिक डीएनए, वो भी न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोट में मुख्य जीनोमिक डीएनए के अलावा अतिरिक्त वर्तुल डीएनए होता है जिसको आप कहते हैं प्लाज्मिड। तो अधिकांश बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाए जाते हैं, प्लाज्मिड मुख्य जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है परंतु जीवाणु को कुछ विशिष्ट समलक्षण देता है, यानी बेटा ये मेन जीनोमिक डीएनए नहीं होता, मुख्य जीनोमिक डीएनए नहीं होता है, उसके अतिरिक्त अन्य वर्तुल डीएनए होता है जो विशेष टाइप के फिनोटाइपिक कैरेक्टर, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर जो ओनली प्रोकैरियोट में होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण केवल और केवल प्रोकैरियोट कर सकते हैं, वो भी कुछ प्रोकैरियोट जिनमें निप प्लाज्मिड है, यानी नाइट्रोजनेस से संबंधित जीन है। ऐसे ही एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी जीन भी होते हैं, आर प्लाज्मिड, ऐसे। तो आप समझ सकते हैं ये स्व प्रतिकृति कर सकता है अपनी, अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, छोटा है मुख्य जीनोमिक डीएनए से, सर्कुलर डीएस डीएनए होता है, सर्कुलर डीएस डीएनए प्लाज्मिड, जो कई सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यस बेटा, और ये वेक्टर की तरह भी प्रयुक्त होता है, सारी बात आपकी होगी। उसके बाद देखिएगा आप कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपकी है क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर क्या है, तो देखिए बेटा कि केवल और केवल पोषण की दृष्टि से देखें, भाई बैक्टीरिया सेल भी अपना उपापचय है तो उनको जीवित रहने के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो पोषण की दृष्टि से देखें तो अधिकांश बैक्टीरिया विषमपोषी हैं, केवल कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो स्वपोषी हैं, कुछ रसायन स्वपोषी भी और प्रकाश स्वपोषी। अब जो प्रकाश स्वपोषी बैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक, तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से पाई जाने वाली झिल्ली में संरचनाएं क्या कहलाती है, क्रोमेटोफोर, है ना, यानी उनके कोशिकाद्रव्य में से मुक्त ऐसे संरचनाएं होती है, झिल्ली के विस्तार होते हैं क्रोमेटोफोर, जिनमें पिगमेंट होते हैं, लेकिन सत्य क्लोरोफिल नहीं होता, आद्य क्लोरोफिल, पिगमेंट क्या होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और आप जानते हैं कि बैक्टीरियो बैक्टीरियो विरिडीन, यस, और बैक्टीरियो परप्यूरिन, ठीक है ना। आप जानते हो हरे गंधक बैंगनी गंधक जीवाणु होते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण में क्रोमेटोफोर होते हैं। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में कई बार आ गया बेटा, ये जो मैटर आपका है नीट एग्जाम में कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2010 से 2020 तक आप देखोगे 13 से 14 क्वेश्चन, यानी हर साल आज के लेक्चर से दो क्वेश्चन आते हैं, और आप पूरे 10 साल के पेपर सोल्व कर लें आपको पता लग जाएगा, यस। अब ये आपके हो गए क्रोमेटोफोर, ठीक है ना। अब देखो प्लाज्मिड अधिकांश में होते हैं लेकिन सब में नहीं होता, होते भी तो अलग अलग होते हैं, निप प्लाज्मिड है कुछ बैक्टीरिया में, कुछ में आर प्लाज्मिड है, ठीक है। फिर क्रोमेटोफोर केवल प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में होते हैं। अब आप आ जाइए एक बहुत विशिष्ट चीज पे, इंक्लूजन बॉडी, यानी प्लाज्मिड है और ये जो इंक्लूजन बॉडी है ये केवल प्रोकैरियोट का लक्षण है, अंतर्विष्ट पिंड है ना। तो जीवाणु कोशिका के अंदर जीवाणु में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से कण के रूप में संग्रहित होते हैं, जिनको आप कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। ये निर्जीव और झिल्ली रहित पिंड है, भाई झिल्ली से घिरी हुई कोई कोशिका तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये मेम्ब्रेनलेस है और निर्जीव पिंड है।
और ये कार्बनिक या अकार्बनिक का स्टोरेज करते हैं बस, जो कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। देखिए मेरे बेटा, आप समझ सकते हैं कि इंक्लूजन बॉडीज के रूप में फोस्फेट ग्रेन्यूल या फोस्फेट कणिकाएं, ठीक है, या सल्फर ग्रेन्यूल होती हैं, सल्फर कणिकाएं होती हैं, वोल्यूटिन्स, या पीएचबी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेटिक एसिड जो होता है, आप जानते हैं ना, जैव अपघटनीय प्लास्टिक बनाने में काम में आता है, पी एच बी, केमिस्ट्री में सुनते होंगे। ये तो अकार्बनिक हो गए। कार्बनिक बैक्टीरिया का संचित वजन क्या है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन कण, कणिकाएं। ऐसे ही बीजीए का भोजन होता है साइनोफाइसिन स्टार्च, तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ये आपके ऑर्गेनिक पिंड हो गए। तो ये आप जानते हैं कि इंक्लूजन बॉडीज होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, गैस वैक्यूल। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में गैस वैक्यूल पाए जाते, लेकिन ट्रू वैक्यूल नहीं है, क्योंकि ट्रू वैक्यूल तो वो होती है जो मेम्ब्रेन से कवर होती है, इन पे केवल प्रोटीन की लेयर होती है, गैसों का आदान प्रदान, और इनके फंक्शन होते हैं बुआंसी, उत्प्लावनता, उत्प्लावनता मेन फंक्शन है, या विकिरणों से सुरक्षा। तो ये गैस वैक्यूल होती है जो रियल वैक्यूल नहीं है, यस, और ये बैक्टीरिया में होती है। क्लियर है? अब अपन आते हैं जीवाणु की सतही संरचनाओं पे। फ्लैजिला है, पिलाई है, फिम्बरी है, यस मेरे बेटा। तो जानते हो फ्लैजिला, जिसका सिंगुलर क्या है बेटा? फ्लैजिलम, फ्लैजिलम है, ठीक है। और आप जानते हो जीवाणु कोशिका द्रव्य से प्रोटीन फिलामेंट की अतिवृद्धि, कोशिका द्रव्य से प्रोटीन का एक्सटेंशन जो सेलवाल से गुजरता हुआ बाहर आएगा, और इसका फंक्शन क्या है? ये बैक्टीरिया को मोटाइल बनाएगा, यानी गति में हेल्प करेगा। जीवाणु कोशिका को गति में सहायक केवल एक ही संरचना होती है, फ्लैजिला, ये फ्लैजिलम। और आप जानते हो कि ये फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन की, जिसमें मोनोमर 4+4 स्पाइरली अरेंज होते हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स सूक्ष्म नली के संगठन प्रोकैरियोट में नहीं होता, यूकैरियोट में होता है, 9+2, यहां होता है 4+4। और इस फ्लैजिला के तीन पार्ट होते हैं जो एनसेट ने दे रखे हैं, फिलामेंट जो सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है, जो सेल के आउटसाइड होता है, ये फिलामेंट है, फिलामेंट, ठीक है, जो गति करवाता है, फिलामेंट, ठीक है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का। फिर आप जानते हो कि ये आपका जो जॉइंट करता है, ये आपका होता है हुक, जो ब्रॉड पार्ट होता है, ये आपका हुक है, ये फिलामेंट है, और यहां से भी अंदर सेल वॉल और मेम्ब्रेन पर जो अटैच बिंदु होती है, वो आपकी होती है बेसल बॉडी, आधारिका है, बेसल बॉडी, यस। तो फ्लैजिला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, आप नोट करते जा रहे हैं, पिलाई। फ्लैजिला से छोटा पिलाई होता है, पिलाई आप समझ सकते हैं बेटू कि फ्लैजिला से छोटा पिलाई होता है, ये पिलाई हो गई। ये पिलाई पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है, अभी 2016 में क्वेश्चन आया, पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है, गति में कभी हेल्प नहीं करती, मूवमेंट में कभी हेल्प नहीं करेगी, मूवमेंट की तो बात ही नहीं करनी भैया, मूवमेंट ओनली फ्लैजिला, ठीक है। और आप समझ सकते हैं पाइलिन प्रोटीन की, ये कॉन्जुकेशन में सहायक होती है, संयुग्मन में, और ये छोटी छोटी ब्रिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फिम्बरी, ये फिम्बरी, तो ये पाइलिन प्रोटीन की, और ये फिम्बरीन जो संकुचनशील नहीं होता, फिम्बरीन। और तुम जानते हो जो मुख्य जीनोमिक डीएनए होता है, इसका मुख्य जीनोमिक डीएनए ये फ्लैजिलिन और फिम्बरीन को कोडित करता है, लेकिन प्लाज्मिड बनाता है पिलाई को, यस। अब इसका काम मोमेंट है, इसका काम कॉन्जुकेशन है, इसका चट्टान या पोषक उत्तक से चिपकना है, तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। और ये जो फ्लैजिला, इसका तो वितरण भी अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है, संख्या नहीं है तो नॉन मोटाइल है, एट्राइकस, एक है तो मोनोट्राइकस है, दो है तो एम्फीट्राइकस है, और चारों तरफ है तो आप जानते हैं कि ये पेरिट्राइकस है, इकोलाई, यस बेटू, ए टू जेड आपको बात बताई, एनसेट से आप और क्लियर कर दीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब अपन आ गए किसके ऊपर? यूकैरियोटिक संगठन के ऊपर। हाँ तो राजा बेटा रानी बेटी, अब अपन आ चुके हैं सहसिम केंद्र की संगठन, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई आद्य जीवाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, और आप समझ सकते हैं कि साइनो जीवाणु, इनको छोड़कर पृथ्वी के ऊपर जो भी एकोस के सेवाल हैं, यस, क्लेमेडोनास क्लोरेला यानी प्रोटिस्ट या प्रोटोजोन्स, और आप समझ सकते हैं कि बहुकोश के कवक, पादप जंतु,
सभी के सभी क्या शो करते हैं, यूकैरियोटिक संगठन। और मैंने आपसे कहा था कि फंडामेंटली आधारभूत रूप से पृथ्वी के ऊपर सेल की दो ही कैटेगरी है, प्रोकैरियोट एसिम केंद्र की और यूकैरियोट। हालांकि मेरे बेटू प्लांट फंजाई और एनिमल में सेल में उसके जो घटक हैं जैसे कोशिका आवरण है या उनकी परतें होती हैं या अंदर कोई एकादी संरचना में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आधारभूत संगठन क्या होगा, समान होगा। लेकिन एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका में मैक्सिमम कितनी संरचनाएं प्रेजेंट हो सकती है, वो सारी मैंने आपको यहाँ इस फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखी है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, यू यानी डेवलप, कैरियोटिक एंड न्यूक्लियस यानी सुविकसित केंद्रक वाली होंगी, इसका मतलब न्यूक्लियर एनवलप है केंद्र के आवरण, यानी जेनेटिक मटेरियल केंद्र की झिल्लियों से, बाह्य केंद्र की झिल्ली, आंतरिक केंद्र की झिल्ली जो समांतर चलती हैं और उनमें जटिल केंद्र के छिद्र हैं उससे सेपरेट है साइटोप्लाज्म से, और भी कई प्रकार के संरचनाएं हैं जो इनको कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग जो विशेष कार्य करने के लिए साइटोप्लाज्म से पृथक हैं। इसलिए एक मुख्य एनवलप है, मुख्य आवरण, उसके अलावा अंदर और आवरण है, तो टू एनवलप सिस्टम यहां पर है। यस बेटू, तो यूकैरियोट में देखो मैक्सिमम कितनी संरचनाएं हो सकती हैं, जैसे सेल के बाहर जो नॉन लिविंग पार्ट होता है ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जैसे मैं आपको कहूंगा कि जो एनिमल सेल्स होती है, कार्टिलेज सेल मैंने बताई थी, तो ये फ्लूड में, द्रव में डूबी होती है, यहां पर मैट्रिक्स, फ्लूड मैट्रिक्स होती है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अतिरिक्त कोशिकीय अधात्री। यस बेटू, और आप समझ पा रहे हैं कि सेल वॉल भी ECM का एक कंपोनेंट है, क्योंकि अंदर से जो एंडोमेम्ब्रेन होगा, आप जानते हैं कि अंतःप्रद्युतजालिका गोल्जी का है, वही कोशिका भित्ति के पदार्थों को संश्लेषित करेगा, सिक्रेट करेगा, तो वो मेम्ब्रेन के बाहर जो भी जमाव होता है, एक्युमुलेशन होता है, वो अतिरिक्त कोशिकीय पदार्थ आते हैं, अतिरिक्त कोशिकीय अधात्री में आते हैं। तो सेल वॉल भी आप जानते हैं कि ECM का पार्ट है, सेल वॉल वैसे नॉन लिविंग होता है, हालांकि आप जानते हैं कि सेल वॉल फंजाई में जो नॉन सेलुलोजिक काइटिन, या फिर प्लांट में जिसमें सेलुलोज कंपोनेंट होगा, तो फंजाई प्लांट में होगा, एनिमल में नहीं होगा। यस, आप समझ रहे हैं, सेल वॉल। उसके बाद सेल का लिविंग पार्ट आता है, जीवित भाग। तो जीवित भाग जो सेल का आता है बेटू, ध्यान देना, उसमें आप जानते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो एक बहुत अच्छी लाइन, एनसीईआरटी को आप लिंक करें, ये प्रोकैरियोट सेल में भी लिखा है, यूकैरियोट में भी, कि वो संरचना है जो किसी भी सजीव को नॉन लिविंग एनवायरमेंट से सेपरेट करती है, डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि इसके इनसाइड का लिविंग एनवायरमेंट और आउटसाइड क्या है, नॉन लिविंग है। तो वो आप समझ सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और पृथ्वी की हर जीवित कोशिका में अनिवार्य रूप से है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, समान संगठन रखती है। ये क्वेश्चन नीट में आया था, लिपिड और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन की लेयर होती है, जो आगे अपन स्टडी करेंगे। यस, और आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य को कवर करती है, जीवद्रव्य की बाह्यतम परत, पतली परत, आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये जीवद्रव्य। अब जीवद्रव्य यहां पर जो यूकैरियोटिक सेल है, आप जानते हैं प्रोकैरियोट में डायरेक्ट साइटोप्लाज्म है, यूकैरियोट में ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में अलग अलग है, पृथक है, तो ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और ये न्यूक्लियस केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य और क्या हो गया, केंद्रक। तो देखिएगा यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस पृथक हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर एनवलप, केंद्र की आवरण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल कोशिका द्रव्य से पृथक है, समझ रहे हो ना। यस, और आप जानते डीएनए का रेप्लिकेशन उसके अंदर ही होगा, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए भी उसके अंदर बनेगा केंद्रक द्रव्य में, बाद में जीन के व्यक्ति साइटोप्लाज्म में होगी, मतलब एमआरएनए बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में से, प्रोटीन संश्लेषण साइटोप्लाज्म में होगा, सॉरी जीन के व्यक्ति इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है। यस, आप समझ पा रहे हैं, ये सारी बात होगी। फिर साइटोप्लाज्म में भी तरल, जो तरल अधात्री है, तरल अधात्री वो तो साइटोसोल लिक्विड जहां ग्लाइकोलाइसिस होता है, और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग, तो कई सारे कोशिकांग हैं जो इस कोशिका को जटिल बनाते हैं, और इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन भी है, एक मैन एनवलप की लेयर, फिर अंदर कंपार्टमेंट बने हुए हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, जैसे आप समझ सकते हैं कि ये एनिमल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट हो गई, तो यहां आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये जेनेटिक मटेरियल सेपरेट हो गया, क्रोमेटिन, और फिर आप जानते क्रोमेटिन क्रोमोजोम रियली में यही बनेंगे, प्रोकैरियोट में क्रोमेटिन क्रोमोजोम का कोई प्रावधान नहीं होता है, क्योंकि स्टोन प्रोटीन नहीं है। यस, अब आप जानते फिर
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था आपको, गोल्जी बॉडी है, तो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन यहां पर पाया जाता है। तो देखो सेल ऑर्गेनेल्स में आप जानते हैं सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, तो सिंगल में आपको गिनवा देता हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नोट करो गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ग्लायोक्सिसोम, पारोक्सिसोम, स्पिरोसोम, यस ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। फिर आपके हैं डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, तो डबल मेम्ब्रेनस दो ही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, जो एनिमल में तो प्लास्टिड है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो हर यूकेरियोटिक सेल में है, लेकिन प्लास्टिड ओनली फोटोसिंथेटिक में ही होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक प्लास्टिड, यस। उसके बाद मेम्ब्रेन लेस भी कुछ हैं, राइबोसोम, तो देखो प्रोकैरियोट में तो 70-80 है, यूकेरियोट में मुख्य राइबोसोम 80-80 होता है कोशिका द्रव्य में ईआर पे, केवल कोशिकांगों में 70-80 होता है, बाकी 80-80 राइबोसोम होता है, यस। तो राइबोसोम है, एनिमल में सेंट्रियोल सेंट्रोसोम है, वो मेम्ब्रेन लेस है, तो मेम्ब्रेन लेस, यस बेटा। तो एक कॉन्फिगरेशन माइंड के अंदर आप तैयार करें यूकेरियोटिक सेल का, सेसिम केंद्र की संगठन, और आप समझ सकते हैं कि ये तुलनात्मक रूप से प्रोकैरियोट से अधिक जटिल हैं, इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन है, इनमें श्रम विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, यस, और आप जानते हैं सुविकसित केंद्रक हैं, और मोनेरा जगत के सदस्यों को छोड़ दें आप, बाकी जो भी प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या शो करते हैं, यूकेरियोटिक संगठन शो करते हैं, क्लियर है। अब देखिएगा कि यहाँ अपन ने यूकेरियोट की बात की, तो जनरली अपन जो एनसीईआरटी ने मैंने देखा प्लांट एनिमल का कुछ एक आधा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, और फिर अपन फर्स्ट कंपोनेंट इसका ओनली इस लेक्चर में ओनली यहीं तक सेल वॉल तक, तो अपन सेल वॉल को डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है ना, बोलो बोलो। तो बिल्कुल एनसीईआरटी तैयार हो रही है ना, और बिल्कुल क्यूट से रहें आप, और इन कंसेप्ट पे आप काम करें, लाइनों पे काम करें, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी अप्रोच आती है, नीट का पेपर बहुत सिंपल आता है, एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइन आती है, और उनको आप समझते हुए ध्यान दे जाओगे तो आप एक अच्छा स्कोर और 2021 के टॉप रैंक आप ले लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटू, ये यहाँ पर कि नेक्स्ट यहाँ देखिएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो ये यूकेरियोटिक सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, हाँ ध्यान दीजिए बेटा, प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो आप समझ सकते हैं कि प्रारूपिक यूकेरियोट है, मूलभूत संगठन समान है, कुछ लेयर में कुछ कंपोनेंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, अपन पूरा संगठन भी देखेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे, यस, और ईजीवी में आपको नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखो कि यूकेरियोटिक संगठन है, तो देखिएगा यहां देखो, ये देखो न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, केंद्र की आवरण, इसको अपन कह सकते हैं केंद्र की आवरण, केंद्र की आवरण बेटा दो मेम्ब्रेन से बना होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखिएगा जहां से ईआर सतत होती है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये दोनों जहां फ्यूज होती है वहां न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर, और ये जेनेटिक मटेरियल अंदर डीएनए और स्टोन से क्रोमेटीन बन गया है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ना, चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, दोनों में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और वही देखो न्यूक्लियर एनवेलप, ये जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटीन क्रोमोजोम, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, तो एक तो मैन एनवेलप हो गया, ये मुख्य आवरण हो गया मैन एनवेलप, अब मैन एनवेलप में, मैन एनवेलप के अंदर प्लांट सेल में दो लेयर हैं, एक सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और एनिमल सेल में सिंगल लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एनवेलप आ गया, एनवेलप से जैसे अंदर जाते हैं प्रोटोप्लाज्म, तो यहां साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का सेपरेशन आ गया, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, ये बात सेम है, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आ गए, तो देखो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी यहां पर देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सेम सेम, ठीक है, क्योंकि यूकेरियोटिक संगठन है, तो बस एनवेलप में यहां लेयर दो है, यहां लेयर एक है मुख्य एनवेलप में, फिर अंदर एनवेलप है न्यूक्लियर एनवेलप, यहां पर भी है, यहां पर भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, झिल्ली प्रवृत्त कोशिकांग है, यहां पर भी है, कंपार्टमेंटलाइजेशन है, यहां पर भी है, यस बेटू, और आप समझ सकते हैं दोहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, ठीक है। तो आपको सारे लेबलिंग भी नजर आई और इसके डिफरेंस भी, अब डिफरेंस बताता हूं, तो फिर ये प्लांट है, एनिमल है, एक होती है फंजाई सेल, फंजाई सेल में सेलवाल है लेकिन सेलोजिक नहीं है, वहां काइटिन की होगी, वो आगे अपन सेलवाल में क्लियर कर देंगे, यस। अब देखिए कि डिफरेंस क्या है, यहां देखो इस प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, एक ही लाइन
जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आया, यस, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल है और वो भी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सॉरी, इस प्लांट सेल में आप जानते हैं वैक्यूल है, वैक्यूल, ये रसधानी, और वो भी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, केंद्रीय रसधानी है। यहां कहीं आपको सेंट्रल वैक्यूल नजर आ रही है क्या? नहीं है ना, ठीक है। इस प्लांट सेल के अंदर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड लवक है, यहां लवक नहीं है, तो प्लास्टिड नहीं है, सेंट्रल वैक्यूल नहीं है, और एक आप समझ सकते हो लेयर में सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, ये लो जी। तो दिमाग लगाइए, मैं एक लाइन बोलता हूं, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में, सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, ये तीनों संरचना यहां नहीं है। और आप कहते हो कि एनिमल सेल इससे डिफर है इनके एब्सेंस में भी, और सेंट्रियोल सेंट्रोसोम इसमें है, इसमें नहीं है, और पादप कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, तो बाहर सुरक्षा के लिए सेल वॉल है, यहां नहीं है, और ये टिश्यू में डूबी होती है, फ्लूड में डूबी होती है, तरल में डूबी होती है, ये नहीं डूबी होती है, इसलिए एपिडर्मिस बनती है ना सुरक्षा के लिए। और आप जानते हैं लेकिन दोनों में यूकेरियोटिक संगठन है, सुविकसित केंद्रक है, झिल्ली प्रबद्ध कोशिकांग है, टू एनवेलप सिस्टम है, आप समझ सकते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन है, संरचनात्मक रूप से प्रोकैरियोट से जटिल है, ये सारी बात होगी कि नहीं होगी। तो दिमाग के अंदर आराम से प्रोकैरियोट का डायग्राम रखे और यूकेरियोट का डायग्राम रखे, उनके भी डिफरेंस करें क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर यूकेरियोट में प्लांट एनिमल फंजाई है तो उनका बनाकर आप थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि मूलभूत संगठन समान आएगा, यस मेरे बेटू। हाँ, अब ये प्लांट और एनिमल जो सेल होती है ये अलग अलग आकार आकृति शो कर सकती हैं, आकृति विशेष कार्य को संपन्न कराने के लिए होती है। बोलो जी, क्लियर है कि नहीं है? यस, है ना। और यहां देखो, इस प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन से माइक्रोविलाई एनिमल में ही है, यहां फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है कि नहीं है, क्लियर है? तो ये आपका है यूकेरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, यस। तो टॉपिक को कंसाइज करें, एनसीईआरटी लाइन पर ध्यान दें, कंपेरेटिव स्टडी करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, सॉर्ट करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, अच्छी रैंक लेते जाएं। अरे यार, दुखी किस बात के भाई, किस बात के दुखी, अच्छा करें, मस्त रहें। और कोई चीज नहीं आती व्हाट्सएप पे भेज दें, और कोई चीज भेज दें, हम आपके सहयोग के लिए जा रहे हैं, यहाँ आकर रूम पे या हॉस्टल्स में आ जाएं, हर तरीके से आपके साथ हैं, यस। नेक्स्ट आप देखिएगा, अपन अगली बात करते हैं अब कि सबसे पहले अपने कहा था कि जो यूकेरियोटिक सेल है, हालांकि एनिमल में सेल वॉल नहीं है लेकिन प्लांट और फंजाई में तो है, तो एक प्रोटेक्टिव जो रिजिड स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल, तो अपन इस लेक्चर में सेल वॉल तक लेंगे, नेक्स्ट में फिर अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का अपन डिस्कस करेंगे, यस बेटू। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट सेल या एनिमल सेल, ये अपन करा लिया। अब नेक्स्ट देखिएगा, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है, आपको पता है डेड सेल को किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, रॉबर्ट हुक को, ठीक है, सेल वॉल की डिस्कवरी का श्रेय किसको दिया जाता है, रॉबर्ट हुक को। देखिएगा खोजकर्ता कौन, रॉबर्ट हुक, 1665 में, और अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया के अंदर इसका विवरण दिया था, किस पुस्तक में दिया था, माइक्रोग्राफिया में, यस बेटू। फिर देखिएगा, यूकेरियोट्स में सेल वॉल सभी प्लांट फंजाई तथा कुछ प्रोटिस्ट में पाई जाती है, भाई यूकेरियोट के अंदर सेल वॉल, प्रोटिस्टा के अंदर अपन एक कोशिकीय यूकेरियोट रखते हैं, जो पादप सम प्रोटिस्ट हैं, डायटम डायनोफ्लेजेट्स, तो प्रोटिस्ट में, कुछ प्रोटिस्ट में, सब में नहीं। और आप समझ सकते हैं सभी फंजाई में सेल वॉल होती है, बिना एक्सेप्शन के सभी फंजाई में सेल वॉल होती है, संगठन चाहे अलग हो, यस। और प्लांट में भी बिना किसी अपवाद के सभी प्लांट में सेल वॉल होती है, तो यूकेरियोट में सेल वॉल सभी प्लांट्स फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट जो प्लांट लाइक है, एनिमल लाइक प्रोटोजोन अमीबा में सेल वॉल नहीं होती है, यस, बहुत अच्छा लाइन है ना। फिर देखो, सेल वॉल हमेशा ही थिक होती है, चाहे प्रोकैरियोट में चाहे यूकेरियोट में हो, मोटी होती है, खटोर होती है, रिजिड होती है, सेल वॉल को नॉन लिविंग निर्जीव संरचना माना गया है, दृढ़ और निर्जीव और अप्रत्यास्थ होती है, ये फिक्स शेप देती है अप्रत्यास्थ, ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं, चाहे कोशिका जीव द्रव्य कुंचित हो जाती है तो भी अपनी जगह ही रहती है, इसलिए आप जानते हैं नॉन इलास्टिक है, एक्स्ट्रा सेलुलर
अतिरिक्त कोशिकीय परमेबल पारगम्य और सुरक्षात्मक परत होती होती है कि नहीं है। जैसे पादप कोशिका को निश्चित आकृति बाहर से प्रदान करती है, अंदर से तो साइटोस्केलेटन बनाता है, यस। और आप जानते हैं कि भाई ये रिजिड होती है, पारगम्य विलय और विलायक के लिए पारगम्य होती है, केवल वृद्ध अणु को आने से रोकती है, बाकी तो विलय और विलायक दोनों को जाने देती है। हाँ, लेकिन जब तक प्राइमरी वाल है, अगर सेकेंडरी आ गई तो फिर तो आप जानते हो कि सेल बाद में जाकर डेड हो जाती है लिग्निफाइड होने के बाद, तो यस। तो अपन ये सारी बातें अपन करेंगे। तो आप जानते हैं कि सेल वॉल के जो फंक्शन दे रखे हैं आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन आगे जाकर क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। हालांकि देखो अपन यूकेरियोट की बात कर रहे हैं और यहां अपन ने बैक्टीरिया को ले लिया, लेकिन बेटा अपन सबका एक साथ बता देते हैं। तो आपने बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पढ़ा था, बट आप जानते हो बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। आपने अच्छे से बता दिया था पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, शुगर और एमिनोसिड, शुगर में नाग और नाम। तो ये नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, क्या है बेटू, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल हो गई, क्योंकि प्रोकैरियोट की सेल वॉल में सेलुलोज होता ही नहीं है, कुछ एक आध एक्सेप्शन बैक्टीरिया को छोड़ के, लेकिन वो आपके आरपीएमटी का जमाना था, वो नीट में ऐसा कोई एक्सेप्शन आता नहीं है। अब आ जाइए फंजाई, कवक। तो कवक यूकेरियोटिक संगठन को दर्शाता है ऑब्वियसली, लेकिन कवक की जो सेल वॉल होती है वो भी नॉन सेलुलोजिक होती है, यस मेरे बेटू, क्योंकि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन, और काइटिन में भी एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। नीट 2013 के अंदर पूछा गया था नाइट्रोजिनस कंपाउंड एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, तो ये भी नॉन सेलुलोजिक होती है। क्वेश्चन बनता है कौन से दो ग्रुप हैं जहां नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया और फंजाई, क्लियर है। उसके बाद आप आ जाइए एल्गी। तो एल्गी या कुछ प्रोटिस्ट जो है, पादप सम प्रोटिस्ट है, जैसे कि डायटम है, डायनोफ्लेजिलेट्स है, यस। और आप अच्छे से जानते हैं कि एल्गी जो बहुकोश की एल्गी है, तो यूकेरियोटिक अगर प्लांट लाइक सेल है तो वहां सेलुलोज एसेंशियल रूप में आएगा, सेलुलोज होगा, सेलुलोज तो होगा, लेकिन इसके अलावा इन एल्गी की सेल वॉल के अंदर और क्या होगा, ग्लैक्टोज का भौलक, ग्लैक्टेंस, सरकराई है लेकिन ग्लैक्टोज का भौलक है, ग्लैक्टेंस है, मैनोज का भौलक, मैनेन, यस। और मिनरल्स होंगे, खनिज हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, सिलिका हो सकता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपका सीधा क्वेश्चन आ सकता है, यस बेटा। जो हायर प्लांट है और एल्गी दोनों में अनिवार्य रूप से सेलुलोज होगा, लेकिन सेलुलोज के अदर आप जानते हैं ग्लैक्टेन, मैनेन, मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, यस। और जैसे एल्गी के अंदर फाइकोकोलाइड होता है, यस बेटू। अब आप जानते हो हायर प्लांट की बात आ जाए, प्लांट सेल की, तो वहां सेल वॉल दे रखा है एनसीईआरटी ने, सेलुलोज तो होगा ही होगा, सेलुलोज के बाद हेमी सेलुलोज, यस और नो, हेमी सेलुलोज, लेकिन प्राइमरी वॉल सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, तो सेलुलोज पेक्टिन हेमी सेलुलोज, इसकी बनी होती है आपकी प्लांट की सेल वॉल, ठीक है। अब आप जानते हो वैसे सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है और परमेबल स्ट्रक्चर है, क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना बेटा। और आप जानते हैं कि प्लांट सेल को फटने से बचाती है, सूक्ष्म जीव संक्रमण से रोकती है, यांत्रिक सामर्थ्य उसको प्रदान करती है, यस, मैकेनिकल सपोर्ट उसको देती है। तो ये आपका हो गया केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि लेयर्स ऑफ सेल वॉल। अपन अब हायर प्लांट की बात करेंगे कि उच्च पादप कोशिकाओं के अंदर जो सेल वॉल होती है, सेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है, उसकी लेयर्स क्या है, उसकी परतें क्या है, यस और नो। तो सेल वॉल में मुख्यतः तीन लेयर होती है। आप जानते हैं दो पड़ोसी कोशिकाओं को होल्ड करता है, जो दो नेबरिंग सेल को होल्ड करता है, मिडिल लेमिला, ये आउटर मोस्ट सेल है, क्योंकि आप जानते हैं बेटा एनिमल सेल तो फ्लूड में डूबी होती हैं, लेकिन प्लांट सेल में प्लांट सीमेंट का कार्य करता है मिडिल लेमिला, आउटर मोस्ट लेयर है। और आप अच्छे से जानते हैं कि मिडिल लेमिला का क्वेश्चन जो नीट के अंदर आया कि मिडिल लेमिला मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट या कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, ठीक है। जब सेल वॉल सिक्रेट होती हैं तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर सिक्रेट होती है, सबसे पहले आधार सिक्रेट होता है, ऐसे मिडिल लेमिला, यस, आप जानते हैं मिडिल लेमिला, क्लियर, इसलिए आउटर मोस्ट है, मिडिल लेमिला हो गया। जस्ट आप जानते हैं कि जैसे बेटा ये थिन एमोरपस, पतला और एक्रिस्टलीय मिडिल लेमिला है, ठीक है। और फिर आप जानते हो कि ये प्राइमरी वॉल, इसकी प्राइमरी वॉल इस कंपार्टमेंट की, ये इस कंपार्टमेंट की प्राइमरी वॉल। और आप जानते हैं कि ये थिन एमोरपस, पतली एक्रिस्टलीय, ये मिडिल लेमिला कॉमन लेयर होती है। जैसे बेटा दो कमरों के बीच जो ईंट की लेयर है, ईंट की लेयर कॉमन है,
उस कमरे का प्लास्टर सीमेंट का प्राइमरी वॉल, इधर कमरे का प्लास्टर सीमेंट का इसका प्राइमरी वॉल, तो ये आप समझ सकते हैं पीसीडब्ल्यू हो गई। तुम्हें पता है बेटा ये जो प्राइमरी वॉल होती है ये मुख्यतः सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये ग्रोथ करने में कैपेबल होती है क्योंकि इनिशियल प्लांट सेल भी अपना आकार बढ़ा सकती है, तो ग्रोथ करने में कैपेबल होती है। यस, और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये डिसमिस होती जाती है। ये आप जानते हैं जैसे जैसे कोशिका परिपक्वता पर आती है नष्ट होने की ओर जाती है, तो अंदर की ओर आपकी आ जाती है थिक। आप समझ सकते हैं कि अंदर की ओर आपकी आ जाती है थिक, और सबसे इनर मोस्ट सेकेंडरी वॉल। यस मेरे बेटू, तो देखो मेरी बात, सबसे आउटर मोस्ट मिडिल में मिला जो दो प्लांट एडजेंट सेल को होल्ड करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। आप जानते हैं पैक्टेट अच्छे से आप जानते हैं। फिर आप ध्यानते हो कि मिडिल लेमिला जब परिपक्वता आती है तो पैक्टेट घुल जाता है और जो फलों की भित्ती को मुलायम बनाता है। फिर आप जानते हो प्राइमरी वॉल जो ग्रोथ करने में कैपेबल है पैक्टिन सेलुलोज की है। यस, और इसमें भी जो प्राइमरी वॉल होती है, तो प्राइमरी वॉल में आपको बताऊंगा कि प्राइमरी वॉल के अंदर जो आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, तो एक तो आपके होते हैं सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल, ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल है, सेलुलोज के सूक्ष्म तंतुक, ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल जो ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है, और वो अर्धतरल मैट्रिक्स में डूबे होते हैं जो हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की होती है, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, और उसको प्रोटीन, प्रोटीन आप समझ सकते हैं कि उसको प्रोटीन यहां पर सपोर्ट देता है, जाइलोग्लाइकेन जो प्रसार में सक्षम है, प्राइमरी वॉल प्रसार में सक्षम है, ठीक है। और आप जानते हैं कि सेलुलोज कैसे बना, सबसे पहले ग्लूकोज, फिर कई सारे अपन बात नहीं कहीं जुड़ती है तो सेलुलोज, फिर आप जानते हैं बेटा कि सेलुलोज से ही मैक्रो, पहले माइक्रोफाइब्रिल, मैक्रोफाइब्रिल ऐसे आपकी रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है छड़ आकार, ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल, और सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल मैट्रिक्स में डूबे होते हैं, ठीक है। फिर आप जानते हो प्राइमरी वॉल डिसमिस होती है तो सेकेंडरी वॉल आपकी आ जाती है जिसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट के रूप में लिग्निन आ सकता है, सुबेरिन आ सकता है, अदर कंपोनेंट, बाकी तो सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन तो हो गई, बाद में लिग्निन और सुबेरिन के सेकेंडरी वॉल में आ सकते हैं। तो ये आपके अच्छे से मैंने डायग्राम के अंदर शो किया, लेयर ऑफ सेल वॉल, क्लियर है। यस बेटू, नेक्स्ट अपन आपको देखो इससे और अच्छा समझाते हैं कि इस लेयर्स में आपको अच्छे से समझाते हैं कि देखो आपके सामने ये मैंने प्लांट सेल जो देखो आपस में से टिश्यू में जुड़ी होती हैं। अब देखो ये वैक्यूल दे रखी है, ये है, और एडजेंस प्लांट सेल के बीच में संबंध होता है, जीवद्रव्य संबंध प्लाज्मोडेस्माटा होता है। अब यहां देखिएगा, जैसे सबसे पहले आउटर मोस्ट थिन लेयर आपकी होती है मिडिल लेमिला जो एमोरफस होती है। यस, और आप समझ सकते हैं बेटा कि ये पतली होती है, तो मैं ऐसे दूं जैसे ये मिडिल लेमिला हो गया, ये कॉमन लेयर है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। फिर आप अच्छे समझ सकते हो कि इधर अगर अपन कंपार्टमेंट दें, तो कंपार्टमेंट दें तो ये आपका प्राइमरी वॉल हो गया, तो ये ML, ये बीच में आप समझ सकते हो कि ये ML मिडिल लेमिला, ठीक है, ये प्राइमरी वॉल PCW जो ग्रोथ करने में कैपेबल है, ठीक है। जब कोशिका मैच्यूरेशन पे आती है और ये नष्ट होने के कगार पे होती है, पतली होती जाती है धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे पतली होती जाती है, तो अंदर आप जानते हैं कि ये आपकी आ जाती है क्या, सेकेंडरी वॉल, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं बेटा कि यहाँ आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसका है, यहाँ आप जानते हैं कि ER है, कभी कभी आप जानते हैं ER की जो सिस्टर्नी होती है ये ऐसे फैलकर यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन अंदर से बना लेती हैं और ये इससे इस प्रकार जुड़ जाती है, डेस्मोट्यूब्यूल्स भी होती हैं और बाद में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन भी होते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि देखो यहाँ पर ये मिडिल लेमिला बता रखा है, फिर ये प्राइमरी वॉल दे दिया, फिर आपका सेकेंडरी वॉल दे दिया, ठीक है ना। और आप समझ सकते हैं कि देखो ये जीवद्रव्य संबंध हो गए, जीवित संबंध प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है ना। इसके बाद आप समझ सकते हो कि फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है आपके, तो पादप कोशिका को यांत्रिक क्षति मैकेनिकल इंजरी हो, चाहे प्राशन क्षति, पादप कोशिका को अगर आप स्वच्छ जल में रख दोगे
तो अंदर वाटर जाएगा लेकिन वो फटेगी नहीं, तो फटने से निपातित होने से बचाती है। तो यांत्रिक सती और प्राश्न सती से सुरक्षा देती है, सूक्ष्म जीव संक्रमणों से रोकती है, वरदणों को अवांछित प्रवेश को भी रोकती है। क्या बेटा? सेल वॉल। बात को समझे, प्रोटेक्शन सुरक्षात्मक इकाई है। यस, खैर आप सारा कर लें तो इस लेक्चर में बेटा यहीं तक। अच्छे से आप क्लियर करें सेल वॉल को, और मेरे बेटू अगले लेक्चर के अंदर बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट, अब इस लेक्चर में आपको यहां तक मैंने थ्योरी करवाई है, अब कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करूंगा, और अब तक की थ्योरी में आपका सिंगल क्वेश्चन भी 2010 से लेकर 20 तक का नहीं रहेगा, तो 21 का भी नहीं रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, ठीक है, और फिर अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकेरियोट का और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ERGV वैक्यूल का, ठीक है। तो क्वेश्चन पे अपन आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन पे अपन आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आपका, ये मैंने आपके सामने बता दिया, ये अच्छे से और देखो, प्लाज्मोडेस्माटा कैसा होता है, डेस्मोट्यूब्यूल क्या होती है, डेस्मोट्यूब्यूल जो ER के ऐसे सिस्टर नहीं जाती है, ये आप समझ सकते हो प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है, ये जीवधरी संबंध आपके बनते हैं, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, साइटोप्लाज्म, सब कुछ आपको बताया गया है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन पे, देखिएगा आप जानते हैं कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के कार्यकलापों का मुख्य क्रिया स्थल है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, कोशिकी गतिविधियों का स्थल आप जानते हैं साइटोप्लाज्म है, जो उसको जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फिर देखिएगा झिल्ली परिसीमित अंगक निम्नलिखित में से किस एक में नहीं पाए जाते, भाई आप बताओ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज कहां नहीं होते हैं, प्लाज्मोडियम तो यूकेरियोट है, प्रोटोजोआ है, सैक्रोमाइसिस कवक है, यूकेरियोट है, और क्लेमाइडोनास एकोस के हरा से वाला यूकेरियोटिक है, लेकिन यहां स्ट्रेप्टोकोकस में नहीं पाए जाते, और आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ही होगा, यस। फिर आप देखिएगा जीवाणुओं में सैसिम केंद्र की कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या है, तो अपने कहा ना प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में एक ही संरचना समान होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, अगले लेक्चर में और क्लियर करेंगे, यस। तो यहां पर आपकी हो जाएगी प्लाज्मा झिल्ली। इकोलाई और क्लेमाइडोनास में कौन सा एक भिन्न नहीं होता, तो कोशिका भित्ति भिन्न होती है, क्योंकि यहां पेप्टोग्लाइकेन की, यहां सेलुलोज की, कोशिका झिल्ली नहीं होती। बोलो कितना प्यारा क्वेश्चन है, रिपीट भी क्वेश्चन है, यस। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो देखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन, जीवाणु में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है, तो अपने बताया था ना मीजोसोम इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तो मीजोसोम मध्य का है। गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं, फ्लैजिला के द्वारा। आप एक कोई सा भी क्वेश्चन करें, पौधे की द्वितीय कोशिका भित्ति में क्या होने पर ये प्राथमिक से भिन्न होती है, लिग्निन, यस, वरना तो थिक ही होगी, बस जो सेकेंडरी वाल होती है थिक और नॉन इलास्टिक होती है, बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, ग्रोथ करने में कैपेबल नहीं होती, सेलोज हेमिसेलोज और थिकनिंग आ जाती है, लेकिन लिग्निन आ जाए तो प्राइमरी से अलग हो जाती है। आप बताओ ये कौन सा एक इंक्लूजन बॉडी नहीं है, तो पॉलीसोम को इंक्लूजन बॉडी थोड़ी है। अरे भाई अपने आप क्वेश्चन करें, ये जो सारे क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं इजी वे के अंदर, आप समझ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ले लीजिएगा, वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों से पोषी उत्तक से चिपकने में तो होल्ड करने में, अटैच करने में, फिमरी अटैचमेंट में कौन हेल्प करता है, फिमरी, तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या, झालर, फिमरी, ठीक है। और आप जानते हो कि कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकाने की विशेषता प्रदान करता है, फिर आपका हो गया, तो आप जानते हैं कि केंद्र की झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, ग्लाइकोकैलिक्स है कुछ, तो एडेशन में आप ग्लाइकोकैलिक्स भी हेल्प करता है, बोलो बोलो, तो आप समझ पा रहे हैं बेटा, और भी कई क्वेश्चन है, ये पूर्व केंद्र की नहीं है, तो आप जानते हैं इनमें से एक ही ईस्ट, ये यूकेरियोट है, बाकी सारे प्रोकैरियोट है, नोस्टॉक भी, ओसिलेटोरिया बीजी है, और माइक्रोबैक्टीरियम भी, अपने आप करें आप यार, ये देखो ओमनीसेलुला ई सेलुला आ गया यार, और ओमनीसेलुला ई सेलुला आप समझ सकते हैं अच्छे से कि रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। और भी क्वेश्चन आप मॉड्यूल में या नीट का अपने यूट्यूब पे सॉल्यूशन पढ़ा है प्रीवियस ईयर के पेपर का, और हमारी गुरु नीति जो बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर CLC की गुरु नीति ब्रह्मास्त्र है, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप गुरु नीति कर लेते हैं, और हम सेल बायोलॉजी के 6 वीडियो आपको देंगे फर्स्ट और सेकंड के, और आप गुरु नीति कर लेते हैं, तो एक सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत हो जाए तो हम जिम्मेदार होंगे। यस बेटू, विश्वास रखिए, मस्त रहिए, क्यूट रहिए, खुश रहिए, और नीट 2021 को फोड़ डालिए, रैंक ला दीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच, एंजॉय सेल बायोलॉजी।